ब्लॉक लेवल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और थर्ड जो इश्यू था कि ग्रास रूट लेवल वर्कर्स को जो महत्व देना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, उनको अवार्ड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, दैट मीन्स उनसे बातचीत की जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनको और उनके हाथ को और सक्षम किस तरह से की जा सकता है की जा सकती है हम लोग करेंगे उसके बारे में डिस्कशन, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एंगेजिंग विद फील्ड फंक्शनरीज हो, जिनको अगर हम बार बार उनको बुलाएं नीति आयोग के स्तर पर, मंत्रालयों के स्तर पर, सो दैट उनकी भी बात हम तक पहुँचे, सो दैट स्कीम्स की डिलीवरी और इफेक्टिवली हम कर सकें, सो दैट हम रीचिंग द लास्ट माइल सच में कर सकें, लीविंग नो वन बिहाइंड। सिर्फ इनपुट की बातें ना करें बट आउटकम्स की बातें कहें, यह सारांश रहा है। बट थोड़े में मैं हर एक पैनल के बारे में एक 2 मिनट बताना चाहूँगी। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करते समय कि पहले 1000 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अ चाइल्ड्स लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टेकिंग अ लाइफ साइकिल अप्रोच, जैसे हम सबको पता है कि मदर्स हेल्थ इज द मोस्ट क्रिटिकल, और इंडिया में ये देखा गया है एज पर आवर सर्वेस कि मदर 32% मदर्स लो हाइट एंड 35% मदर्स लो वेट के हैं, दैट मीन्स उनके बच्चे ऑब्वियसली स्टंटिंग या मैल नरिशमेंट की तरफ से जाएंगे। जो मदर बिफोर शी बिकम्स प्रेग्नेंट उनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए, उनके एनीमिया वेरियस प्रॉब्लम्स के साथ वो जूझ रही हैं उनकी तरफ हम पहुँचें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बिहेवियर चेंज, बिकॉज सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बट फिर भी यही दिखता है कि पहले 6 महीने तक सिर्फ 43% वुमन को ये पता रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग वो करें। तो देयरफॉर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हुए सोसाइटी के नॉर्म्स के तहत रखते हुए हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, वेदर इट इज़ अ मदर इन लॉ या द यंग मदर, उनको समझाना भी होगा और उनका हाथ पकड़ कर ये सभी गवर्नमेंट के स्कीम्स की तरफ उन तक पहुंचना होगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात की गई, इसमें संक्षिप्त में यही बातें कही गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड बहुत सारे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, जिससे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा हमारे लिए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है पूरे देश भर में। कुछ संक्षिप्त में इनके बारे में भी बात की गई। नीति आयोग की तरफ से हम चाहेंगे कि ये सभी विषय एंड मंत्रालय की मदद से हम हर राज्य में हुआ अच्छा काम दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैंपेन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, सो दैट पीपल कम टू नो व्हाट आर द गुड वर्क्स दैट आर हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई, जिसमें ये चीज़ देखा गया कि रोल ऑफ पंचायत, जैसे कम्युनिटी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कंटिन्यूसली रहा। 6 लाख विलेजेस में 15 लाख स्कूल्स हैं, इसका मतलब है कि एक विलेज में अप्रॉक्सीमेटली 2 और कुछ बड़े गांवों में ऑलमोस्ट 8 स्कूल्स हैं। अगर ग्राम पंचायत ने उसमें थोड़ा सा लीडरशिप लिया तो ज़रूर इम्पैक्ट हो सकता है स्कूल के परफॉर्मेंस में। दूसरी बात की गई कि गुड एम्पावर्ड मोटिवेटेड टीचर्स जब तक न हो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं लेके किया जा सकता है। और लास्ट में पूरे सिस्टम में, जैसे वेदर इट इज़ क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, डायट्स, SCERT, इन सबके साथ हम इस तरह से चले सो दैट अच्छी मॉनिटरिंग हो और हैंड होल्डिंग हो टीचर्स की भी। एंड जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव्स है कि गैप्स इन लर्निंग, जैसे हमने देखा है कि NAS सर्वे में हो या आपने असर के रिपोर्ट में देखा है कि अभी भी बहुत गैप्स है लर्निंग में, वेदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो महत्व है फिर से दोहराया गया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये की गई कि स्टार्टअप एक्ट्स एट ब्लॉक लेवल, सो दैट ये जादुई पिटारा वगैरह जो इंटरेस्टिंग जो हमने बहुत कदम उठाए ये लोगों तक पहुँचे, सो दैट जो रीडिंग लर्निंग मटीरियल है जो इंटरेस्टिंग है वो टीचर्स के हाथ तक पहुँचे और उसको वो उपयोग कर सके। उसी तरह स्किल्स के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें की गई, जिसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिकॉज स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें स्पेशली गर्ल्स रिलेटेड जो बातें की गई कि गर्ल्स नेवर कम फॉरवर्ड फॉर स्किलिंग नॉट लेटर जॉब्स, इसलिए उनके पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, बिकॉज ब्लॉक्स बहुत ही दूर दुर्गम भागों में हैं तो फैकल्टी, विदाउट गुड फैकल्टी ये किया नहीं जा सकता है। और लास्ट एंड फाइनल हर बात पर यही आकर रुकी कि कस्टमाइज सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, सो दैट हर ब्लॉक में उनकी जो कैपेसिटी और उनके जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स के अराउंड आप स्किल प्रोग्राम्स को कर सकें। लास्टली एजुकेशन में ये भी बात की गई कि UDISE स्टूडेंट रजिस्ट्री के मदद से हम एक्चुअली हर स्टूडेंट को ट्रैक कर पाएंगे, ऐसे महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्लान में हम समाविष्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
वाटर एंड सैनिटेशन जैसे आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन की भी बात करें, हेल्थ की बात करें, तो कहीं ये बैकबोन है ऑफ हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर क्लिनिनेस। तो स्वच्छ भारत मिशन फ्रॉम ODF टू ODF प्लस की जर्नी किस तरह से की जाए, जल जीवन मिशन किस तरह से हर घर नल का जल, किस तरह से हम हर एस्पिरेशनल ब्लॉक में हर घर तक पहुंचाएं, जिसमें चार पांच महत्वपूर्ण विषय जो DM DCs और BDOs किस तरह से ब्लॉक लेवल प्लान्स बना सकें पंचायत और अदर डिपार्टमेंट्स के मदद से, और सभी स्कीम्स का कन्वर्जेंस, बिकॉज फंड्स उपलब्ध हैं स्पेशली फील्ड लेवल पर। अगर आप स्वच्छ भारत, JJM 15 फाइनेंस कमीशन, MG नरेगा को हम कन्वर्ज कर सकें, और लोकल यूथ को ज़रूर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि मेंटेनिंग वाटर स्ट्रक्चर्स हुई इन ब्लॉक्स में, हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम लेकर चलेंगे जहाँ पे SHGs एज वेल एज यूथ को हम इन्वॉल्व करते हुए स्कीम्स के मेंटेनेंस की तरफ और मॉनिटरिंग ऑफ दीज प्रोग्राम्स एट द हाईएस्ट लेवल फ्रॉम BDO टू द चीफ सेक्रेटरी लेवल किस तरह की जा सकती है, इस पर भी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इन शॉर्ट, नीति आयोग अपनी तरफ से इस पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर हम एक गाइडलाइन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क बनाएंगे नेक्स्ट 10-15 दिन में, और एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान हम सभी एकत्रित आकर विल रिलीज एज बिहाफ ऑफ द नीति आयोग। एंड जैसे मैंने कहा, वी मस्ट अप्रिशिएट द ग्रास रूट लेवल पीपल। हमारे यहाँ एक बजट है जिसके मदद से हम एक अवार्ड्स प्रोग्राम, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम रोल आउट करना करेंगे हम। और उसी तरह कम्युनिकेशन कैंपेन, जो अच्छी, बहुत बार ऐसा लगता है कुछ काम नहीं हो रहा है, सो वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैंपेन हमने लॉन्च किया है भारत के बढ़ते कम कदम, सो दैट हर ब्लॉक, जिले और स्टेट में जो भी अच्छा काम हो रहा है नेशनल लेवल तक पहुंचे और सबको एक दूसरे से समझने की और जानने की उनको एक माध्यम मिले। ये तीन चार चीज़ों पर हम नेक्स्ट 1 मंथ में कंप्लीट करके इम्पॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च करेंगे, सो दैट आपको पूरी डाटा एकत्रित APIs के मदद से सभी डिपार्टमेंट से पुल करके सामने ला सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो दिस इज़ अ टाइम बाउंड एक्शन प्लान जिसमें हमने कुछ डेट्स बताए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक बेस लाइन करेंगे, बेस लाइन ऑब्वियसली अंत्योदय सर्वे जो फील्ड में चल रहा है उसके आधार पर होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आपको विलेज लेवल, हाउस होल्ड लेवल एंड ब्लॉक लेवल डेटा सिर्फ अंत्योदय से आपको ईयरली मिलता है। सो दैट इज़ वन फोकस एरिया दैट इज़ बीइंग वर्कड ऑन बाय रूरल डेवलपमेंट एंड डैशबोर्ड, जो हमने एक डेट कमिट किया है। सो दीज आर द डेट्स एंड टाइमलाइंस बाय विच फर्स्ट क्वार्टरली रैंकिंग हम June 2023 तक हम रिलीज करना चाहेंगे द ब्लॉक्स विच आर डूइंग वेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मिनिस्ट्रीज एंड जो मैंने, आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट अगेन, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स को किस तरह से करना है उसके बारे में, प्रभारी ऑफिसर्स की नियुक्ति, स्टेट नोडल ऑफिसर्स वगैरह विषयों पर भी हमने चर्चा की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बट हम ये पूरा जो वेबिनार हमने किया है, आई मस्ट थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मार्गदर्शन रहा, जिसकी वजह से हमने बहुत स्मूथली ये कंडक्ट कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक सर। वहीं से हम शुरू कर सकते हैं? थैंक जी जी सर। यू थैंक यू। नमस्कार सर, आदरणीय मंत्री महोदय और आज के सभी वेबिनार के सहयोगी मित्र। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज राधा हैज ऑल्सो सेड, थैंक्स टू सेक्रेटरी RD, हम लोगों ने जो भी यह प्रयास किया है उसमें रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों के जो सब थीम्स थे उसके हिसाब से स्पीकर्स को हमने ऑर्गेनाइज किया था। सो 20 स्पीकर्स पार्टिसिपेटेड इन द वेबिनार टुडे ऑन द ब्रेकआउट सेशन, और 5 हम लोगों ने सब थीम रखी थी, जो हमारा मुख्य थीम है प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन का। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर, आप नेक्स्ट बोलेंगे तो। हाँ,
ये जो पहला सब थीम है उसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो पीवीटीजी के ग्रुप हैं उनका जो सांस्कृतिक रूप से उनका संरक्षण करना वह बहुत आवश्यक है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि उनको, और इसलिए भी वो आगे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भय बना रहता है कि उनकी सांस्कृतिक विरासत को भी को क्षति पहुंच सकती है। सो आवर फर्स्ट सब थीम वॉज कल्चरल प्रिजर्वेशन, इन दैट आवर एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विच इज प्रैक्टिस्ड बाई दी पी वी टी जीज। देन देर आर इंडिजिनस स्किल्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई देम। देर आर ओरल ट्रेडिशंस विच नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हमारी एंडेंजर्ड के श्रेणी में आती हैं, जो विलुप्त प्राय हैं या विलुप्त हो रही हैं, उनमें पीवीटीजी ट्राइब लैंग्वेजेस काफ़ी हैं, तो प्रिजर्वेशन ऑफ वल्नरेबल पीवीटीजी लैंग्वेजेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव टू फोकस ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, जिसको कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल वाले थीम से हम लोग को जोड़ना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन आया हमारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि जो पीवीटीजी के जो एजुकेटेड यूथ हैं उनमें से ही हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे कि वो प्लान फॉर्मूलेशन में, डेटा कलेक्शन में, इस तरह की चीज़ों में वो साथ दें, और जिससे कि ओनरशिप जो है वो कम्युनिटी का रहे, चाहे वो विलेज डेवलपमेंट प्लान हम बनाएं, चाहे वो उनके किसी लाइवलीहुड के लिए हम एक्टिविटी बनाएं। नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हमें देना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने जो उनका जो इकोसिस्टम है उसी के अंदर वो कर सकें। और जो भी कल्चरल जो हमारे थीम्स हैं अलग अलग पीवीटीजी कम्युनिटीज़ में, उनको हमको संभाल करके, संजो करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेरा हमारा दूसरा सब थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर पीवीटीजीज़, जो उनका जो विकास की जो उनकी प्रक्रिया होगी, दैट शुड बी सीन कंसीव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। तो उसके बारे में हम कैसे करेंगे, तो कॉम्प्रिहेंसिव नीड्स, उनको एक्शन प्लान हमें बनाते समय में उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस, और बाद में ये भी बात आएगी कि उनके स्किल्स, क्योंकि माइग्रेशन वाले स्लाइड में कहना चाहूँगा मैं कि केवल उनको पढ़ाना ही ये नहीं है, उनके लिए जो भी स्थानीय स्थानीय उनके अगर उपलब्ध हो सके रोजगार के अवसर, तो शायद उनको हम इससे बचा पाएंगे जो फोर्स्ड माइग्रेशन होता है। तो लोकल नीड्स और एस्पिरेशंस के आधार पर हमको एक्शन प्लान बनाना है। माइक्रो प्रोजेक्ट पर काफ़ी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे प्रायः 20 में से 19 जो हमारे जो वक्ता थे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, और जो जुड़े हुए हैं ग्रास रूट्स लेवल पर और काम कर रहे हैं 20 20 साल से, जो इस तरह की कम्युनिटीज में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को हमने जोड़ा था। तो उनका यह बहुत ही स्पष्ट कहना था कि माइक्रो प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, और जो पहले भी नीति आयोग से कहा गया कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, विच इज़ वेरी ट्रू फॉर पीवीटीजी कम्युनिटीज ऑल्सो, देर मे बी न्यूमरस कम्युनिटीज, लेकिन हर गाँव का, हर लोकल की जरूरतें अलग अलग होती हैं, तो हमें माइक्रो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सर्विस डिलीवरी सिस्टम, आफ्टर ऑल आफ्टर 75 ईयर्स वी आर कंपेल्ड टू डू दिस इन ए मिशन मोड, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट आवर सर्विसेज कुड नॉट बी डिलीवर्ड एज एफिशियंटली एज प्रोबेबली इट शुड हैव बीन डन। तो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को भी ठीक करना है, और जैसा कि मैंने कहा कि एजुकेशन को लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से जोड़ना है। अवेयरनेस की बात है, क्योंकि हमारे जो ऐसे तो जनजातीय समुदाय ही थोड़ा संकोची होते हैं और अपनी बात को या हक मांगने में पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनमें भी जो यह विशेष रूप से संरक्षणीय जो हमारे समुदाय हैं, जिनको हम पीवीटीजी कहते हैं, उन लोगों को और भी यह हमें कहने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपके क्या राइट्स हैं, आपके अधिकार क्या हैं, और आपको सरकार से क्या क्या सहूलियत मिल सकती है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की भी बहुत ये हुई कि हर लेवल पर करना है, यहाँ तो हम केवल पीएमयू में स्टेट और प्रोजेक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र लेवल पर भी और सब्जेक्ट लेवल पर भी ये होने की आवश्यकता है। और एक बात आई जो कि कम्युनिटी मोबिलाइजर, जो इससे जुड़ी हुई है, जो मैंने कहा कि पीवीटीजी यूथ को ट्रेन करना है, तो उसी समुदाय से वहीं के लड़के लड़कियों को, वहीं के यूथ को, छात्र छात्राओं को अगर ओरिएंटेशन हम ठीक से दें, तब वो कम्युनिटी वॉलंटियर का काम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसी सब थीम पर जो आगे बात आई कि मॉनिटरिंग आउटकम बेस्ड होना चाहिए, या हम लोग अब
इस बात पर तो ऐसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही जोर दिया है कि आउटपुट से ज़्यादा आउटकम पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और फिर जब हम चेक करेंगे अपना प्रोग्रेस फॉर मिड कोर्स करेक्शन और फॉर डूइंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, तो केवल यह नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई इनका घर बन गया तो हमारा काम पूरा हो गया, या इनके घर में स्वच्छ जल पहुंच गया तो काम पूरा हो गया। हमें मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में देखना पड़ेगा कि इनके जीवन स्तर में अच्छा परिवर्तन हुआ है या नहीं। सैचुरेशन मोड के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि गांव गांव में हमें इनकी सुविधाएं पहुंचानी है। तो ये कार्यक्रम में हम लोगों ने जो 8-10 बिंदुओं पर जोर दिया है, उसके साथ साथ बाकी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत की हो, चाहे वो जनधन योजना की हो, चाहे वो उनके ओल्ड एज पेंशन की बात हो, वो सब चीज़ों को भी हमें सैचुरेशन मोड में करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात आई जो मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय और सचिव ग्रामीण अभिवृद्धि विकास के समक्ष रखना चाहूँगा कि जो हमारे पॉपुलेशन नॉर्म्स हैं, जनसंख्या के आधार पर जो हमने गाइडलाइंस अपनी बनाई हैं, उनको शायद कुछ रिलैक्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक प्रपोजल बना करके विशेष रूप से आपके पास हम लोग आएंगे, क्योंकि ये जो समुदाय हैं वो कहीं 10 घर होते हैं, कहीं 20 घर होते हैं, और इस कारण से बहुत सी चीज़ों से हम लोग वो लोग उनका कवरेज जो है वो कम हो जाता है या कभी कभी छूट भी जाता है। कन्वर्जेंस तो बहुत ही आवश्यक है, और इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। जो इसमें एक बात है कि जो घर बनेगा, कई जगह पर इस तरह का भी अनुभव देखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ घर बने, लेकिन उन घरों का सदुपयोग उस तरह से नहीं हो पाता है जैसे कि होना चाहिए। और उसमें क्योंकि सीमेंट कंक्रीट से अगर घर जंगल के अंदर बना दिया जाए या कहीं ऐसी जगह पर बना दिया जाए जहां वो ट्रेडिशनल घरों में रहने की उनकी आदत है, तो शायद उनको अधिक गर्मी लगेगी, वातावरण के अनुकूल नहीं होगा। तो ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि खास करके जो लोग वन भागों में अथवा पहाड़ियों पर अथवा इस तरह से बहुत ही डिफिकल्ट एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से वहाँ के इको फ्रेंडली हाउसिंग का डिज़ाइन हो, चाहे वो खुद बनाए चाहे वो हम बना के दें, लेकिन डिज़ाइन शुड बी इको फ्रेंडली। और उसके बाद रोड कनेक्टिविटी पर कुछ लोगों ने बहुत ही जोर दिया कि जब तक उनको ये कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तब तक उनका विकास नहीं हो पाएगा, तो उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। यूनिट कॉस्ट के बारे में भी बात आई कि पहले का यूनिट कॉस्ट है, और अब तो, और एक दूसरी बात यह भी है कि PVTG के जो हमारे जो समुदाय के लोग हैं वह थोड़ा और भी इंटीरियर इलाके में रहते हैं, मुश्किल जगहों पर रहते हैं जहाँ पर मेटेरियल मेन का बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए यूनिट कॉस्ट को भी रिवाइज करना पड़ेगा। डिफरेंशियल हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्स बेस्ड, हर तरह का एक ही तरह के घर या एक ही तरह के रास्ते से काम नहीं चलेगा। और एडवाइजरी कमेटी, आज जो हम लोगों ने सेमिनार किया उसमें जो भी कहें वर्कशॉप किया उसमें बहुत से हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बहुत दिनों से इस इन फील्ड्स पर काम कर रहे हैं। तो यह हम लोगों ने यह इस तरह का सुझाव आया कि हम लोग अगर इस तरह का कोई वर्किंग ग्रुप बना के रखें जो अलग अलग थीम पर आगे भी हमें सहायता करते रहे, तो वह बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक फोकस था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही जरूरी है उस तरह के इकोसिस्टम में, तो वो बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तीसरा जो सब थीम था हमारा वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का था। तो फॉरेस्ट राइट में जो हमारा 2006 का जो कानून है उसका पालन तो हो ही रहा है, किंतु जो PVTG कम्युनिटीज हैं उनका एक बहुत, उनकी तरफ से और हमारे जो एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा कि लैंड राइट्स का एक बहुत बड़ा इशू है। उसमें भी जो ग्रामीण अभिवृद्धि डिपार्टमेंट है, फिर लैंड रिकॉर्ड्स वाली बात आती है, वह भी आपके मंत्रालय में है, और फिर हम लोगों को यह जरूरी होगा कि इसको लैंड रिकॉर्ड्स और इन चीज़ों को, डेटा को हम लोग अच्छी तरह से कंप्यूटराइज करें, और जिससे कि उनकी लैंड राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स भी उनको मिल पाए, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना पड़ेगा। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बहुत जगह पर छोटे छोटे लेवल पर ये काम किया गया है, उसको हमें राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना पड़ेगा। एक बात आई कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स, न केवल हमको उनके कम्युनिटी वर्कर्स और उनकी ट्रेनिंग करनी है, बल्कि अपने ही लोग जो हैं, जो खास करके ITDP मोड में जो लोग काम करते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, उन लोगों को भी हमें कैपेसिटी बिल्डिंग और ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु आया कि विमेन पार्टिसिपेशन को और बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह से वो जो ट्रस्ट का जो एक फासला है, विश्वास का जो एक फासला है हमारे इन समुदायों के साथ और जो सरकारी तंत्र होता है उनके बीच में जो दूरी है, उसको कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, अपनी तरफ से भी, जो जो ऑफिसर्स या वर्कर्स रहेंगे, और उनकी तरफ से भी। नेक्स्ट प्लीज। ये चौथा हमारा थीम था जिसमें कि माइग्रेशन की बात आई, और यह
कभी कभी तो पूरा गांव का गांव जो है वो माइग्रेट कर जाता है, क्योंकि उनके पास वो जो लाइवलीहुड है लोकल लेवल पे नहीं होता है। तो ये मैपिंग करना बहुत ही जरूरी है कि उस विलेज में, उस कम्युनिटी में, उस इकोसिस्टम में क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके जो इंडिजिनस आर्ट एंड क्राफ्ट हैं उसको मार्केट से जोड़ना जरूरी है। हम केवल मैप करके नहीं, बल्कि उसको हम लोग एक एंटरप्राइज की तरह से डेवलप करना जरूरी है। आर्ट एंड क्राफ्ट तो बहुत जगह होता है, और बहुत जगह पर ऐसा पाया गया है कि उनको जब हमें शिफ्ट करना पड़ता है, चाहे किसी बड़े प्रोजेक्ट की वजह से हो, चाहे किसी रोड की वजह से हो, चाहे उनकी अपनी आवश्यकताएं के अनुसार ही वो लोग शिफ्ट कर गए हों, तो नई जगह पर उन्हें पर्याय व्यवस्था जो है ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड की वो नहीं होती है, तब उनका जीवन जो है बहुत बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका अपना इकोसिस्टम छूट जाता है पीछे, जो सांस्कृतिक और आर्थिक जो उनकी विरासत है वो छूट जाती है। तो वो बनाना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल अप्रोच तो हम सभी जानते हैं, वो करना आवश्यक है। मार्केट सिस्टम उनके हिसाब से होना चाहिए, उनका जो हार्ट है, उनका जो लोकल ये है, उसको हमें जोड़ना है उनकी संस्कृति के हिसाब से। यहाँ पर हम कुछ थ्रस्ट नहीं कर सकते, उन पर थोप नहीं सकते हैं। और उसके बाद वही जो पहले भी मैंने कहा कि लोकल यूथ को अगर हम ट्रेन करें, हमने ये प्लान किया है अपने स्कीम में भी कि मल्टीपर्पस एक घर सेंटर रहेगा, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि उसमें उस तरह की अगर ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा अंतिम स्लाइड है जिसमें कि हमने हेल्थ इश्यूज के बारे में कहा है। आज एक और जो पीवी ये सिकल सेल मिशन पर एक अलग से भी प्रेजेंटेशन आएगा। सिकल सेल के अलावा भी बहुत से हेल्थ इश्यूज हैं, खास करके जैसे बहुत सी कम्युनिटीज में पाया गया है, जो PVTG कम्युनिटीज हैं जिनमें ट्यूबरकुलोसिस का बहुत ज़्यादा उनमें इंसिडेंस होता है। अब चाहे वो उनके पोषण की कमी की वजह से हो, चाहे वो उनके लाइवलीहुड के कमी की वजह से हो, लेकिन ऐसा पाया गया है कि वो लोग जो हैं वो इन तरह के कम्युनिकेबल डिजीजेस के दे आर मोर ससेप्टेबल। तो हमें अगेन ये बात आती है कि उनको पॉपुलेशन नॉर्म्स को रिलैक्स करके ज़्यादा से ज़्यादा सब सेंटर्स हो, या आंगनवाड़ी केंद्र हो, या हेल्थ वेलनेस सेंटर हो, उसको उनके नज़दीक ले जाना पड़ेगा। मोटर बाइक वाला एम्बुलेंस का काम हम लोग अपने छोटे छोटे स्तरों पर हमने किया है, यह काफ़ी सफल है, और इससे हम बहुत सी चीज़ कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं लोगों को। आरोग्य मित्र की बात है जिसमें कि वहीं के कम्युनिटी को ट्रेन करके लोकल आशा को उनकी कम्युनिटी से, PVTG के कम्युनिटी से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर जो कि उनकी भाषा में बोल सकें, उन्हें बता सकें कि कैसे कैसे हेल्थ और सैनिटेशन की चीज़ों से उन्हें हम समझा सकते हैं। और उसके बाद आउटरीच तो बहुत हमें बड़े तौर पर करना पड़ेगा, न सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी। उसमें भी लोकल भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फाइनली जो सेंसिटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी यह जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग को करा करके कोई नॉन ट्राइबल एरिया से ट्राइबल एरिया में चले जाते हैं, और फिर उनका ओरिएंटेशन वो नहीं होता है जैसा कि हमें होना चाहिए। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग यह सफलतापूर्वक होती रहे। तो हमारे जो ग्रुप था उसमें इस तरह के सुझाव आए हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप लोगों को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री असित गोपाल जी, कमिश्नर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स को, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए टीचर्स के रिक्रूटमेंट के ऊपर उनका ब्रेकआउट सेशन था। आप कृपया प्रेजेंट करना चाहेंगे? राजीव, राजीव देखो उसमें कनेक्टेड है क्या आशित गोपाल से? उन्होंने लिखा भी है, प्लीज अनम्यूट। प्लीज अनम्यूट सर, आप बोल दो कि उनको अनम्यूट कर। वो नेस्ट के नाम से हम लोग रजिस्टर्ड है। हाँ ठीक, नेक्स्ट। ओके आगे। हाँ जी, नेक्स्ट के नाम से है।
हाँ मैं अनम्यूट हो चुका हूँ जी। नमस्कार माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय, सचिव सामाजिक कल्याण मंत्रालय, हमारे सभी साथीगण। हमारा सब्जेक्ट है टीचर्स फॉर EMRS और इसमें 13 वक्ता थे, जिसमें 9 प्राइवेट सेक्टर से थे और 4 गवर्नमेंट सेक्टर से थे, क्योंकि जो हमारे स्कूल चल रहे हैं हमें उनके भी मत जानना, उनके व्यू जानना काफ़ी आवश्यक था। और जो टॉपिक था उसको हम ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, ओरिएंटेशन और रिटेंशन, कैसे रिटेन करें उनको गिवन द रिमोटनेस ऑफ द लोकेशंस ऑफ EMRS, क्योंकि EMRS सारे सिर्फ ST बच्चों के लिए हैं और उन ब्लॉक्स में हैं जो 50% ज़्यादा ST पॉपुलेशन है और टोटल ST पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा है। तो ये सारे ब्लॉक्स रिमोट एरियाज में हैं और करीब 740 विद्यालय तैयार हो जाएंगे 2025-26 तक और 401 अभी भी फंक्शनल हैं। तो उनमें इन 3 कैटेगरी में चर्चा हुई, उनको हमने बांटा है। एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो हमारी होगी, उसके अंदर प्रिपेटरी एक्शन कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, चूंकि ये नया ऑर्गेनाइजेशन है, हम पहली बार केंद्रीय स्तर पर नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस, स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन ये सारे अप्रूव हो जाने चाहिए और ये हम नवोदय विद्यालय के तर्ज पर ही इनको हम बनाया है। हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी से अप्रूव हो भी चुका है, गवर्निंग बॉडी से ये जल्द ही अप्रूव हो जाएगी। फिर हमें एक रिक्रूटमेंट एजेंसी काफी बड़ा, एक ही साथ करीब 10,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति होने वाली है, तो एक रिप्यूटेड और एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट एजेंसी की आवश्यकता है। और यह इसलिए भी आवश्यक है कि ये फेयर होना चाहिए और लोगों को भी लगना चाहिए कि ये सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट है। तो हमने CBE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा है, हमारे मंत्रालय ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, कि वो CBSE को निर्देशित करें कि वो नवोदय विद्यालय की तरह एकलव्य विद्यालयों के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति का काम, जो टेस्ट कंडक्ट करना होता है CBE, वो कंडक्ट करें और फिर बाकी फाइनल रिजल्ट भी इंटरव्यू के बाद उन्हीं के माध्यम से हमारे पास आएगा। अब सर तीसरे पॉइंट पे देखें तो करीब 10,500 करीब भर्तियां होनी है, उनमें से 5,000-6,000 पद ऐसे हैं जिनके लिए इंटरव्यू होगा और हम 1:3 का भी अगर रेशियो लेके चलें तो करीब 17,000-18,000 लोगों का साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए हमें डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट्स पहले से बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो टाइम फ्रेम बनाया है वो करीब 1 महीने में इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने का हमने लक्ष्य रखा है। तो उसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में हमें एक्सपर्ट्स की डेटाबेस चाहिए होगी, जो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, NCERT, NEPA एक्सेट्रा के विशेषज्ञों को हम उसमें रखेंगे। जब उनकी भर्ती हो जाएगी तो उनके सर्विस मैटर्स जो है, उनके रूल्स रेगुलेशन भी हमें बना के अभी से ही तैयार रखने पड़ेंगे। और ये सारी जो प्रक्रिया है, ये जो फेजेस में हो रही है, 4 फेजेस में हो रही है। फेज 1 में करीब 10,000 की नियुक्ति होगी, आप देखें तो टोटल 38,800 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो इन सारी भर्तियों के लिए हमें फेजेस में जाना पड़ेगा और जो स्कूल्स हैं वो भी धीरे धीरे फंक्शनल हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, फंक्शनल हो रहे हैं। तो जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्कूल के निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, तो यदि हम निर्माण कार्य समय पे नहीं करेंगे तो हमारी भर्ती प्रक्रिया भी फिर पीछे छूट जाएगी। तो स्कूल का निर्माण भी हमें समय के साथ समयबद्ध तरीके से करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड की नेक्स्ट। तो ये हमने टाइमलाइन बनाया है, हरे में वो एक्टिविटीज हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं और रेड में वो हैं जो हमें कंप्लीट करनी है और हम दिसंबर तक इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, जो भर्ती की प्रक्रिया, फाइनल रिजल्ट। उसके बाद फिर हमने रखा है बाकी 3 माह का समय इस एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए टीचर्स का ओरिएंटेशन का, क्योंकि ये स्पष्ट है कि हमारा काम सिर्फ भर्ती पर आकर ही रुक नहीं जाता है। भर्ती जो है, नियुक्ति जो है, वो एक
स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे लिए। उसके बाद ओरिएंटेशन करना वो काफ़ी ज़रूरी है, ओरिएंटेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, ये बस हमारा एक स्टेपिंग स्टोन है, भर्ती तो हमारी एक स्टेपिंग स्टोन है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज। तो फिर हमने रखा है जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है भर्ती की, उसमें टारगेटिंग एंड अट्रैक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स, इसको हमें वाइड पब्लिसिटी देनी होगी। कई बार हम देखा है कि जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं वो छोटी सी आती हैं, मतलब खर्च कम करने के लिए छोटी सी एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें एक वेबलिंक दिया होता है, उसमें जाके लोग देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स है उनका ध्यान जा नहीं पाता है उस तरफ, और हम राज्य में सिर्फ एक दो बड़े न्यूज़पेपर में सर्कुलेशन देख के उनका उसमें डाल लेते हैं छोटा सा ऐड, लेकिन जो रिमोट एरियाज में है वो कैंडिडेट्स, पोटेंशियल कैंडिडेट्स तक वो खबर पहुंच ही नहीं पाती है कि ऐसी कोई नियुक्ति प्रक्रिया जारी है या होने वाली है। तो हमें तो हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो वैसा ग्रुप है जो उन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ही रह रहा है, क्योंकि वैसे बच्चे ही एकलव्य में जाएंगे और वहाँ रुक कर वहाँ पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, उनका रिटेंशन रेट ज़्यादा होगा। हमारा फोकस ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज पर होगा ज़्यादा, वैसे तो ये रूल रेगुलेशन के हिसाब से पूरा ओपन है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कहीं भी, कोई डोमिसाइल ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है और जो प्रचार प्रसार है वो इन एरियाज में जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग आएंगे तो वो हमारे बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे, और जब बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे तो वो उनसे ज़्यादा जुड़ सके, अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। फिर हमारे साथ रामकृष्ण मिशन और बीए भारतीय सेवक समाज के लोग आए थे जो स्कूल चला रहे हैं, और उन दोनों ने, दोनों वक्ताओं ने और अन्य भी वक्ताओं ने यह बड़े विस्तार से कहा कि ये एक नोबल कॉज है, जो लोग रिमोट एरियाज में रहकर ट्राइबल्स को पढ़ा रहे हैं, जो लोग पिछड़े इलाकों में पढ़ा रहे हैं, वो एक नोबल कॉज है, और उसको उस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए कि आप समाज को कुछ वापस दे रहे हैं, समाज के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेज जब अपना एडवर्टीजमेंट निकालता है तो उसको देशभक्ति देश भावना से जोड़ कर निकालता है, मात्र एक नौकरी की तरह उसको नहीं प्रोजेक्ट करता है। तो हम भी चाहेंगे कि जो EMRS का जो शिक्षकों का जॉब है वो महज एक नौकरी की तरह नहीं होकर उसको एक नोबल कॉज की तरह उसको प्रोजेक्ट किया गया। फिर ये था कि जो आए उनके पेज एंड पर्क्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक है आदमी कुछ जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए एक नोबल कॉज के लिए काम करता है, लेकिन उसको पेट भी भरा होना चाहिए और उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पेज एंड पर्क्स जो है वो नवोदय विद्यालय के हार्ड स्टेशन, नवोदय विद्यालय में नॉर्मल स्टेशन और हार्ड स्टेशन का कॉन्सेप्ट है, तो हार्ड स्टेशन पर कुछ ज़्यादा अलाउंस मिलते हैं। तो हमारे तो सारे के सारे विद्यालय हार्ड स्टेशन में ही आते हैं, तो उनके पर्क्स एटलीस्ट एट पार विद हार्ड स्टेशन ऑफ नवोदय विद्यालय होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। फिर यह बात लाई गई कि EMRS को भी एक क्योंकि ग्रांट की तरह डेवलप किया जाए, क्योंकि कोई भी इम्प्लॉय या जो पोटेंशियल इम्प्लॉय है वो ब्रांड नेम देखता है कि मैं टाटा में नौकरी कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में केंद्रीय ये विद्यालय में नौकरी कर रहा हूँ, NVS में नौकरी कर रहा हूँ, तो EMRS को भी एक ब्रांड नेम की तरह एक अच्छे इम्प्लॉय के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, एक जैसा कहा कि उसको नोबल कॉज से जोड़ना है, तो उसको जोड़ कर EMRS को एक ब्रांड नेम दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ ज़्यादा ज़्यादा काम कीजिए, जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको एक सेपरेट कैटेगरी की तरह EMRS को एंट्री दे, जैसे राज्य होते हैं बिहार UP की स्कूल टीम तो केंद्रीय विद्यालय की स्कूल टीम होती है, वैसे ही EMRS की एक स्कूल टीम जाए तो एक ब्रांड नेम के रूप में वो इस्टेब्लिश होगा। फिर हमारे जो EMRS के एक प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा, सिक्किम के एक बहुत ही दूर दराज के इलाके गांगेय के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि एल्यूमनाई जुड़ रहे हैं टीचिंग जॉब में उनके यहाँ और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और वो बिल्कुल मन लगाकर और इधर उधर उनका ध्यान नहीं है कि हमें और कहीं नौकरी करनी है, तो बिल्कुल अपने स्कूल के प्रति
समर्पित हैं तो हम एल्यूमनाई को हम टारगेट कर सकते हैं। बल्कि एक सजेशन ये भी आया कि अपने जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आप एक कॉलम जोड़ दीजिए, आर यू एन एल्यूमनाई, यस और नो। तो रिटन एग्जाम में तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू में आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि वो एल्यूमनाई है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जहाँ तक बात हो तो भी आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं कि जो जहाँ से आया है उसके या उसी इलाके में वो पदस्थ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, भले ही उसका स्थान मेरिट में नीचे हो लेकिन उसको प्रेफरेंस दिया जाए अगर वो वहाँ जाना चाहता है। फिर जो अपने विद्यालय हैं, एग्जिस्टिंग हमारे स्कूल्स हैं, वो भी एक कोचिंग सेंटर की तरह लोकल यूथ को मोटिवेट करें। आप EMRS के लिए अप्लाई कीजिए, टीचर्स के लिए अप्लाई कीजिए, स्टाफ के लिए अप्लाई कीजिए, और हम चाहें तो उनको कोचिंग सेंटर के रूप में भी जो शिक्षक हैं वहाँ पे या बाहर से भेज कर लोगों को लोकल यूथ को कोचिंग दिला सकते हैं। इंश्योरिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक जो है वो छात्रों का चरित्र निर्माण करता है और रेजिडेंशियल सेटअप में तो वो 24 घंटा उन्हीं के पास रहता है, वो उनका एक रोल मॉडल होता है। तो अगर हमारी भर्ती प्रक्रिया फेयर नहीं होगी तो वैसे लोग आएंगे मैनिपुलेटिव, तो वो बिल्कुल ही सही नहीं होगा। तो ये बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट चाहिए, ना सिर्फ मेरिट के लिए कि अच्छे लोग आए, अच्छे कैरेक्टर जरूरी है। एक ने कहा कि आप भर्ती प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए ऑप्शन ऑफ वेटलिस्ट कैंडिडेट कर सकते हैं कि इस फेज वन में जो छूट गया उसको हम ऑटोमेटिकली फेज टू में के पहले उसको हम ले लें, या जो नहीं ज्वाइन करता है उसके तो है ही, लेकिन फेज टू के पहले भी इनको इनसे हम कुछ ले सकते हैं, ऐसा सजेशन आया गया था। लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड मोटिवेशन फॉर रिटेनिंग द टीचर्स, कि आप वहाँ पे बिजली की, सड़क की, इन सब समस्याओं के बारे में बात हो तो इन सब बेसिक सपोर्ट, हमारा एजेंसी सेटअप है इसमें हम स्टाफ क्वार्टर बना ही रहे हैं लेकिन उनके नंबर सफिशिएंट होने चाहिए ताकि सभी पूरा का पूरा स्टाफ भी वहाँ पर रह सके, क्योंकि हमें इस बात का भान है कि जिन क्षेत्रों में ये हमारे विद्यालय स्थित हैं वहाँ प्राइवेट एकोमोडेशन मिलना अत्यंत ही कठिन हो जाए। नेक्स्ट, जब एक बार नियुक्ति होती फिर ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स की आई, दो कोट हमारे एक स्पेशल स्पेशलिस्ट वक्ता ने दो कोट लिखे थे और वो मुझे बड़े अच्छे लगे तो मैं यहाँ भी आपके सामने रख रहा हूँ। एक श्री कृष्णमूर्ति का कोट है, इन द वेरी नेचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग देयर इज ह्यूमिलिटी, यू आर द टीचर एंड यू आर द टॉट, सो देयर इज नो पीपल एंड नो टीचर, नो गुरु एंड नो शिष्य, देयर इज ओनली टीचिंग एंड लर्निंग विच इज गोइंग ऑन इन मी, आई एम लर्निंग एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग माई सेल्फ, द होल प्रोसेस इज वन। टीचर पॉलिटिशन अच्छा कि वो जजमेंटल नहीं हो, वो हमारे बच्चों को जज नहीं करे, ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ मैं सीखने भी आया हूँ, टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ साथ इवॉल्व करें। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। दूसरा कोटेशन था महात्मा गांधी से, वही बात महात्मा गांधी ने कही है, ए टीचर हु एस्टैब्लिशेस रैपो विद द टॉट बिकम्स वन विद देम, लर्न्स मोर फ्रॉम देम देन ही टीचेस देम, इन दिस वे ए ट्रू टीचर रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिज स्टूडेंट। नेक्स्ट, तो ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स, एक बार नियुक्ति हो गई तो हम उनके ओरिएंटेशन का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं उनकी अलग नीड है, उन्हें हम केंद्रीय विद्यालय शहर में स्थित केंद्रीय विद्यालय DPS या कहें तो जवाहर नवोदय से भी हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। हमारे सारे के सारे बच्चे ST समुदाय से हैं, मोस्टली फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं और उनके पेरेंट्स भी मोस्टली इलिटरेट हैं, वो कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, तो उनके जो रिक्वायरमेंट फिर रेजिडेंशियल सेटअप में है तो उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा हैं, और टीचर का कॉन्टैक्ट सिर्फ स्टूडेंट के क्लासरूम आवर्स तक सीमित नहीं है, इट इज बियॉन्ड क्लास आवर्स, तो उसको लैब में, थिएटर में, इनफैक्ट बात आई इनरिचिंग द लर्निंग स्पेस, तो जो लर्निंग स्पेस है वो उनका लैब है, लाइब्रेरी है, थिएटर है, इन सब में भी उनका प्ले ग्राउंड है, इन सब में भी टीचर को एज ए मेंटर एक्ट करना है। प्रॉपर कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट्स में,
प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और हमेशा कभी भी उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए टीचर को कि बच्चे अपनी बात अपनी समस्या उसके सामने नहीं रख सकते। और जो भाषा है वो भी वैसे रीजन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे लेकिन कोशिश करें कि वो प्रॉपरली उनसे कम्युनिकेट कर सकें। स्पॉटिंग एंड नर्चरिंग स्पेशल टैलेंट्स एंड टैलेंट्स, ये बात बार बार कही जाती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें स्पेशल टैलेंट्स है, कुछ स्पेशल फ्लेवर है स्पोर्ट्स के लिए, आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, तो इन सब शिक्षकों में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो उनके इस टैलेंट को नर्चर करे। उसको हम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर या सिर्फ एक आर्ट टीचर या म्यूजिक टीचर के भरोसे हम नहीं। सर मेरा अनुरोध होगा, सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा अनुरोध होगा कि कृपया इसे अब संक्षिप्त करें। मैं जी से कहूंगा, जी से मैं गिरिराज बोल रहा हूँ। जी जी सर, फोकल पॉइंट को सभी लोगों ने जो वेबिनार में मुख्य बिंदु आए हैं, चर्चा तो हुई 2 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन बिंदु निकल करके जो आया है उन बिंदुओं को अगर हम सबों के सामने फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सर, तो यहाँ पे वो ड्रॉपआउट की बात है कि पेरेंट के साथ वो कम्युनिकेट करें ताकि ड्रॉपआउट जो है वो एक मिनिमाइज का जीरो ड्रॉपआउट हो जाए। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे चर्चा हुई कि जो ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स है जैसे खाना बनाना, उसी के साथ कितनी कैलोरी होती है, एक बैलेंस्ड डाइट प्लेट बनाना, तो बच्चों को इस माध्यम से शिक्षा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की बात हुई कि एनईपी भी मैंडेट करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। टीचर्स क्योंकि रेजिडेंट सेटअप में तो पॉक्सो की जानकारी होनी चाहिए, आरटी काउंसलिंग, पेडागॉजिकल ट्रेनिंग और सब्जेक्ट सारी ट्रेनिंग्स उनको दी जानी चाहिए। और सीबीएसई तो ट्रेनिंग दे ही रहा है, पर उसके साथ हमें नीपा, एनसीईआरटी, आईआईटी इन सब के साथ कोलैबोरेट करना होगा और ये ट्रेनिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। फिर डिजिटल पेडागोजी की बात आई कि डिजिटल पेडागोजी बहुत जरूरी है, वो आईसीटी टूल्स के चलते वो यूज कर सकते हैं क्लासरूम में और फिर बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, जो बहुत सारे कठिन सब्जेक्ट हैं उनको बड़ी आसानी से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और वो बाहर से भी बहुत सारे मटीरियल लर्निंग मटीरियल्स ला सकते हैं, तो डिजिटल पेडागोजी के ऊपर फोकस दिया गया। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री को कहा था एटीएल अटल टिंकरिंग लैब की चर्चा हुई थी, ये अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हम स्टूडेंट्स और टीचर दोनों का इनोवेशन उभार सकते हैं। फिर फैसिलिटीज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात हुई कि हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे रोड कनेक्टिविटी है, स्कूल में बिजली इत्यादि इन सब की सुविधा दे तो वो रिटेन होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मैं इसके बारे में बता दूंगा। हम लोगों का जो ब्रेकआउट सेशन था, स्लाइड पीपीटी लगाई, जी सर। सर हमारा 5 से 7 मिनट में कर देंगे सर। नेक्स्ट प्लीज। हम लोगों के 2 घटक थे, PMAYG और PMAYU। हम लोगों को बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए, लेकिन जो सुझाव हम लोगों को लगे कि जिन पर हम लोगों को कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है उनको हम लोगों ने यहाँ बिंदुओं के रूप में लिखा है। तो पहला है सोलर रूफटॉप या सोलराइजेशन इन PMAYG हाउसेज। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी। पहला है एक प्लान बनाना सोलर पावर्ड हाउसेस के लिए, घरों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रशिक्षण देना है टू इंस्टॉल एंड मेंटेन सोलर सिस्टम्स फॉर हाउसिंग, और लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाना है। बायोगैस इंस्टॉलेशन को इंसेंटिवाइज करने की आवश्यकता है। PMAYG किचन जो हैं उनको सोलरिफाई करने की जरूरत है, अर्थात कुकिंग डिवाइसेज हों
और इसके लिए फंडिंग एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद है नेशनलाइजेशन ऑफ क्वांटम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गिवन टू द बेनिफिशियरीज। ये बहुत ही अच्छा एक सुझाव आया उत्तर प्रदेश से, जहां इसका कार्यान्वयन हो रहा है। इसमें कुल मिला के जैसे ग्रामीण जो पीएमएवाई ग्रामीण है उसमें 1,20,000 की जो राशि है, प्रथम किश्त के रूप में 40,000 दी जाती है, द्वितीय किश्त 70,000 दी जाती है और तृतीय किश्त सिर्फ 10,000 रखी जाती है। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा है और बिना निर्बाध गति से घरों का निर्माण हो सकता है। तो हालांकि सभी राज्यों को फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, लेकिन हम लोग सजेस्ट करेंगे अन्य राज्यों से भी कि इस प्रकार की कोई का कोई स्ट्रक्चर निकालें। रेगुलर सोशल ऑडिट की बात आई, और जो इसमें घरों के निर्माण में जो कच्चा सामान लगता है और जो एग्रीगेट्स लगते हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना मार्केट के साथ कोऑर्डिनेट करके, और क्लस्टर के आधार पर लैंडलेस बेनिफिशियरीज के घर बनाने का प्रयास करना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को हर एक स्टेज में इन्वॉल्व करना इस पूरे अभियान में, और इन कन्वर्जेंस की हालांकि व्यवस्था की गई है लेकिन और अधिक इसमें पुश की आवश्यकता है, यह भी हमारे ग्रुप ने ये अनुभव किया। और एक सुझाव आया हैजर्ड रेजिलिएंट हाउसेस के डिजाइन का, और अगला था शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग स्टेट्स एंड यूटीज। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अब हम पीएमएवाई यू पर आते हैं, अर्बन पर। इसमें पहला था एनहांसिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर। इसमें प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80 आईबीए इनकम टैक्स एक्ट मे बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 years, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड अभी भी है मार्केट में। आरबीआई को एनकरेज करना चाहिए टू प्रायोरिटाइज डेवलपर फाइनेंसिंग इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर। जीएसटी काउंसिल मे कंसिडर अलाउिंग द फेसिलिटी ऑफ चार्जिंग ईदर एट द ओल्ड रेट, दैट इज 8% और 12% विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और एट द रेट ऑफ 1% और 5%। द डिवेलपर मे बी गिवन द चॉइस ऑफ चूजिंग द रेट प्रोजेक्ट वाइज। CLSS जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है उसको पुनः इंट्रोड्यूस करने का भी एक सुझाव आया, और गवर्नमेंट में फैसिलिटेट पीपीपी मॉडल्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। दूसरा था स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन लो इनकम अर्बन हाउसिंग थ्रू प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन एंड स्लम अपग्रेडिंग। इसमें है पीएमएवाई बेनिफिशियरीज जो हैं उन्हें छोटे छोटे ऋण का एक्सेस मुहैया कराना। उसके बाद था डिवर्सिफाई द हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स, फोकस ऑन रेंटल हाउसिंग इन वेरियस फॉर्मेट्स, अनलॉक रेंटल स्टॉक थ्रू वेरियस हाउसिंग पॉलिसीज। तीसरा था कन्वर्जेंस ऑफ हाउसिंग विथ अदर वेलफेयर स्कीम्स वाइल इंप्लीमेंटिंग फॉर स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। अगला था इन्वॉल्विंग कम्युनिटी इन डिसीशन मेकिंग एंड इन्वेस्टिंग इन क्रिएटिंग कैपेसिटी एट कम्युनिटी एंड यूएलवी लेवल। नेक्स्ट। तीसरा मुख्य बिंदु था फैसिलिटेटिंग यूनिवर्सल कवरेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें था मोबिलाइजिंग सोशल ऑडिटर्स फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, टेकिंग अप प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, डू इट योरसेल्फ किट्स फॉर थर्मल कंफर्ट फॉर सेल्फ बिल्ट बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, स्केल अप कूल रूफ प्रोग्राम, फॉर्मलाइज NGO role in in-situ slum redevelopment in the guidelines of the 6 states where projects are pending. Chautha tha mukhya bindu, role of public-private partnership in achieving housing for all. Isme tha enhancement of private partnership in affordable housing sector. Urban planning, ensure adequate availability of land by identification of dedicated zones for development of affordable housing in the city's master plans. Labor cess can be leveraged for building labor housing. Agla tha reducing transaction costs for social/affordable housing, reduce time required for various approvals. Agla tha combination of both rental and ownership based required in urban India. Next. Thank you. Agla hai sir. सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। इसमें मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अंजलि भावरा मैडम से, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से, के प्रेजेंट करें।
शैलेश हमारे मंत्री महोदय भी जुड़ गए हैं जी। माननीय मंत्री जी का स्वागत है। हमारे तरफ से भी स्वागत है माननीय मंत्री जी को। मैं गिरिराज उनको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपके आदेशानुसार मैं हाजिर हूँ। अरे नहीं। नमस्कार सर। मुझे सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जैसा कि मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी कहा कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी सर हम थैंक्स करते हैं फॉर गाइडिंग अस फॉर दिस ब्रेकआउट वेबिनार। सर जो हमें टॉपिक दिया गया था वो था सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स, विच वॉज एन अनाउंसमेंट मेड इन द बजट टू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल असिस्टेंस। सर इस प्रोग्राम के लिए, इस स्कीम के लिए सर हमने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और MHA के साथ मिलके सर ये जो है अपना वेबिनार प्लान किया था। दिस वॉज अटेंडेड बाई सारे DG प्रिजन्स थे सर, और हमारे साथ सर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लोग थे, साथ में नालसा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज थी उन, और साथ ही साथ सर TIS वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस एरिया में काम कर रहे हैं वो सब सर हमारे साथ जुड़े थे। साथ ही साथ सर हमने हमारे साथ वेबिनार पे भी बहुत से लोग सर टाटा इंस्टीट्यूट सर, तो उसमें सर इसके साथ साथ सर हमारे साथ वेबिनार पे भी हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े थे। और सर अगर मैं एक एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो सर करीब 1150 के करीब पार्टिसिपेंट्स सर हमारे साथ जो कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, प्लस सर साथ में जो वेबिनार से जुड़े थे वो हमारे इस 3 घंटे के सर ब्रेकआउट सेशन में जुड़े। हमारे सर माननीय मंत्री जी भी पूरे 3 घंटे सर इस ब्रेकआउट सेशन में हमारे साथ रहे। सर जो मेन हमारे हमने जो जिस तरीके से सेशन प्लान किया था वो सर हमने 5 सब टॉपिक्स में प्लान किया था। पहला सर हम जानना चाह रहे थे कि हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या हैं इस एरिया में जो कि सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स या उनके बेल के प्रोविजंस को किस तरीके से, खासकर अंडर ट्रायल्स को किस तरीके से डील किया जाए। तो सर पहला सेशन हमारा सर उसके कंसर्निंग था, जिसमें कि सर हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखा हुआ था। सेकेंड सर सेशन हमारा था जो कि हमारा एक बहुत बड़ा जो ग्रुप हमने पाया सर, टोटल करीब 5.5 लाख के करीब अगर हमारे आज जेलों में बंद हैं लोग, तो सर उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो हमारा अंडर ट्रायल्स का निकला। तो उसमें सर एक रोल ऑफ अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी जो बनी हुई है उसका भी, उसके ऊपर भी सर चर्चा हुई। सिमिलरली सर जो रेलेवेंस ऑफ पेनल्टी एंड श्योरिटी की हम बात करते हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ सर जो आज की तारीख में हमारे जेलों में कितना नंबर बंद है उनका क्या क्वांटम है, क्योंकि सर सरकार की जो स्कीम बनाई गई है वो बेसिकली सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स है। तो सर हमारा सबसे बड़ा जो एक इसके अंदर काम था वो था कि किस तरीके से हम एक पुअर प्रिजनर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें सर हम लोगों ने जो चर्चा करी उसमें ये पाया गया कि क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर प्रिजनर्स जो है वो स्टेट्स के साथ रखा जाए। तो सर जैसे कि हमारे स्लाइड पर सर दिखाया जा रहा है कि पहला बॉक्स हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर प्रिजनर्स का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसके ऊपर सर काफी चर्चा हुई और काफी इसके ऊपर जोर दिया गया कि हम सही तरीके का एक प्रिजनर को आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा सर हमारा जो जोर था इसके अंदर, जो पॉइंट था सर वो ये था कि जो ई प्रिजन्स का एक मॉड्यूल ऑलरेडी चल रहा है उसके ऊपर और त्वरित तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि हमारे पास एक सैनिटाइज डेटा आ सके और हम उन पुअर प्रिजनर्स तक पहुंच सकें जिनको कि हम पहुंचना चाहते हैं और जिनको कि हम इस स्कीम का लाभ पहुंचाना चाहते हैं और जो इस लाभ को लेने के लिए योग्य पात्र हैं सर। तो इसी तरीके से इसी का फर्दर कोरोलरी सर इसकी निकली कि इसका एक MIS डेटा स्टेट वाइज हमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सर जो मेन पॉइंट जो कि हमारी बजट एलोकेशन के साथ, बजट की अनाउंसमेंट के साथ है, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम, इस पॉइंट पे चर्चा भी हुई सर। फिर इसका फंड्स का रिलीज करने का कैसे बनाया जाएगा इसके ऊपर भी हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर टाइमलाइंस होने चाहिए और इसको रेगुलरली इसको रिव्यू करना चाहिए ताकि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो सके और हम स्कीम का जो है वो उसको सही मायने में ग्राउंड पे लागू कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ये कुछ पॉइंट्स हैं सर जो कि हमारे डिस्कशंस में भी उभरे हैं सर, मैं उनके बारे में भी आगे चर्चा करूंगी, पर सर ये हमारे ब्रॉड आउटलाइंस हैं जो कि हमने अपने पहले वाली हमारी स्लाइड से सर आगे फ्लो करते हैं। उसमें है कि सर स्टेट लेवल पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो पुअर प्रिजनर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ सर हम लोगों ने डिस्कशन के लिए ये पाया कि जो लोग लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के तहत लीगल एड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, हमारा ये मानना है कि वो पुअर की कैटेगरी में
आने चाहिए। ऐसे ही सर कोई और क्राइटेरिया जो कि स्टेट ने अपनी तरफ से डिफाइन किया हो, शायद सर कहीं पे आज की तारीख में बीपीएल कार्ड्स का कोई बेंचमार्क हो। ऐसे ही सर जो सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी है उसको माना गया है सर। ऐसे ही सर हमने इसमें एससीसीसी डेटा लिखा जरूर है, लेकिन सर हम इसको जो नीचे वाला क्राइटेरिया है सर वो एनएफएस के ऊपर जाएंगे, जिन लोगों को सर राशन दिया जाता है या सर जिनके परिवारों को सर। ऐसे ही सर जो डेटा कई बार क्या होता है कि सर कोई इनमेट ऐसा है कि हो सकता है किसी भी ऊपर की कैटेगरी में ना हो, लेकिन जब वो प्रिजन में आता है, जब वो जेल के प्रेमिसेस में आता है, तो उसका कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पर जेल अथॉरिटीज एक अपना ओपिनियन भी बना लेती हैं कि भाई ये बहुत ही गरीब घर का है, इसका कोई कोई आने वाला नहीं है और इसका कोई हेल्प करने वाला भी शायद आगे ना हो। ऐसे ही सर इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया सर जो कि हमने सोचा कि हम डिसाइड करेंगे, आई कम टू इट सर, कैसे इसको डिसाइड किया जाएगा, कौन सी कमिटी बनेगी सर इसके ऊपर। सिमिलरली सर इसके लिए हमने ये भी कहा कि जो अंडर ट्रायल है, क्योंकि सर हमारा ये पाया गया कि जो बेसिक हमारा प्रॉब्लम एरिया है या जिनको हमें हेल्प पहुंचानी चाहिए वो है हमारे अंडर ट्रायल्स, क्योंकि सर जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं उनका एक अलग तरीके से गवर्न होता है बेल अमाउंट एंड बाकी सब चीजें। अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटीज को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको ब्रॉड बेस करने की जरूरत है। सिमिलरली सर ये भी पाया गया कि जो लीगल एड दी जाती है उसमें क्वालिटी ऑफ लीगल एड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर हमें सोशल वर्कर्स को भी ऐड करना चाहिए। एक सर पॉइंट जो बहुत ज्यादा उभर कर आया वो ये है कि फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज में श्योरिटी की बात करते हैं तो फैमिली ही उसको सपोर्ट कर पाती है, कोई और बाहर से आके उसकी श्योरिटी देने में शायद इतना इंटरेस्टेड ना हो। एक मुद्दा सर और उभर के आया कि जो आधार बेस्ड अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो हमें श्योरिटी की जरूरत क्यों है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमारे सारा हम उसको वैसे ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो कहाँ रह रहा है और वो आएगा, उसको क्या हम पर्सनल बॉन्ड पर भी उसको कुछ कर सकते हैं, उसको कुछ रिलीफ दे सकते हैं। सर ये सारे मुद्दे जो हैं इसमें सर ये हमारे जो सेमिनार हुआ था उसके अंदर जो ब्रेकआउट सेशन हुआ उसमें सर ये सारे ये आयामों के ऊपर सर विचार विमर्श किया गया। दूसरा पॉइंट सर जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, जो दूसरा पॉइंट उभर कर आया वो सर डेटा के बारे में था कि बजाय इसके कि हम मैनुअल डेटा कलेक्ट करें, जो ई प्रिजन्स मॉडल है उसको सर हमें और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सारे राज्यों के जो जेले हैं उनको अपना डेटा जो आज की तारीख में उनके पास है उसको डिजिटाइज करते हुए उसको जो है ई प्रिजन मॉड्यूल पे आना चाहिए। साथ ही साथ सर इस मॉड्यूल का जो है इस टोटल पोर्टल को इट हैज टू बी सिंक्रोनाइज विद अदर पोर्टल्स ऑफ द जुडिशरी में भी सर, चाहे वो ई कोर्ट्स हैं या सर और जो कोई हमारे मॉड्यूल बने हैं जिसमें कि एनसीआरबी का मॉड्यूल है सर, इन सबके साथ इनका सिंक्रोनाइजेशन रुकना बहुत जरूरी है सर। एक सर ये भी कहा गया कि आधार कार्ड का एक हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अंडर ट्रायल को या जो हमारी प्रिजन पॉपुलेशन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। एक पॉइंट सर जो तीसरा पॉइंट है हमारी स्लाइड में दिखाया जा रहा है, क्योंकि सर एक नई स्कीम है जिसमें कोई एलोकेशन आज की तारीख में नहीं किया गया है, तो इसके लिए सर आज हम जब तक हमारे पास ये डेटा का कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स नहीं आते, हम सर इसका कोई क्या प्रोजेक्शन होगा, कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स होगी, इसके ऊपर सर हमें थोड़ा और काम करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए भी सर हमने एक टाइमलाइन बनाई हुई है कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके बाद उन फंड्स को किस तरीके से हम मुहैया कराएंगे या अवेलेबल कराएंगे सर इन लाभार्थियों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। जैसा कि मैंने कहा सर, फॉर्मुलेशन ऑफ द स्कीम विल डिपेंड ऑन द डेटा विच इंडिकेट्स दैट हाउ मच एलोकेशन ऑफ फंड्स विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच फंड्स नीड्स टू बी ईयरमार्क्ड फॉर दिस। और इसके साथ साथ सर इनकी आइडेंटिफाइंग एंड रिकमेंडिंग एजेंसी कौन सी होगी और इनको कैसे इन फंड्स को डिस्पेंस किया जाएगा, कौन सी एजेंसी हो सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन सर एक यूनानिमिटी थी कि ये जो कमिटी है या जो डिस्पेंसिंग जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होना चाहिए। एक इसी तरीके से जो पांचवा पॉइंट है सर, रिलीज ऑफ सेंट्रल फंड्स अंडर द स्कीम। तो इसके लिए सर हमने जो है वो फंड्स को डिसबर्स करने के लिए सर ये इसमें दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन सर वी विल लीव इट टू द जो हम सर आगे प्रपोज कर रहे हैं कि क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो। लेकिन सर ये सारा डिपेंड करेगा कि हम स्कीम का आर्किटेक्चर जिस तरीके से बनाते हैं। अल्टीमेटली सर हम इस तरीके का आर्किटेक्चर बनाने का हमारा प्रस्ताव है कि हम जिस लाभार्थी के लिए सारा काम कर रहे हैं उस तक ये मदद जो है टाइमली मैनर में उसके पास पहुंच सके। इसलिए सर इसके अंदर हमने एक चीज सर जो आगे सजेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद सर हमारा सबसे बड़ा जोर था रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सर ये बहुत ही अहम मुद्दा है सोसाइटी में
और जब और इसके बारे में सर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार सर इसके ऊपर कंसर्न अपना जाहिर कर चुके हैं, और इसलिए सर इसको मुख्य रखते हुए सर हमने ये भी माना कि हमारे को एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, और जो हम काम कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। और सर इसके लिए सर जो सजेशंस दिए गए और जो सजेशंस हमारे ब्रेकआउट सेशंस में भी आए, वो तो पहला तो सर ये था कि ई प्रिजन पोर्टल को हम स्ट्रेंथन करें, और क्वार्टरली रिव्यूज वगैरह जो होंगे सर, जो रेगुलर होंगे, वो BPRND के थ्रू किया जाए, क्योंकि सर प्रिजन्स का मुद्दा जो है वो मेनली MHA के अंडर आता है, तो इसमें सर MHA की हैंड होल्डिंग एंड MHA के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सर इसमें मिलकर काम करके ही सर, और स्टेट लेवल के भी सर, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब सर इसमें मैं दूसरी बात आपको सर थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगी कि अपने सारे हमारे जो सेशंस हमारे डिस्कस हुए, उसमें सर हमारा मेन डिस्कशन, जैसा कि मैंने सर शुरुआत में एक समरी के तौर पर बताया, उसमें सर ये था, सबसे पहला सजेशन ये था कि अ शिफ्ट फ्रॉम रेट्रीब्यूटिव टू रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू सपोर्ट पुअर प्रिजनर्स। सेकेंडली सर, वी हैड टू ब्रिंग इन रिफॉर्म फॉर पुअर प्रिजनर्स विच इंक्लूड्स प्री ट्रायल कस्टडी केसेस, अंडर ट्रायल्स एंड कन्विक्ट्स। देन सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर प्रिजनर्स में सर बेसिकली एज आई सेड अर्लियर कि राज्य अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उनके प्रिजनर्स की स्थिति को देखते हुए उनके साथ क्या रिकॉर्ड, क्या डेटाबेस उनका रिकॉर्ड किया गया, वो पुअर प्रिजनर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देन सर फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स है विच वी विल बी डूइंग, एंड ड्राफ्टिंग ऑफ गाइडलाइंस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट विल बी डन। सर एक और आइटम इसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया कि हमें प्रोसीजरल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तभी हम इस स्कीम को आगे डिलीवर कर सकते हैं और इसमें लाभार्थियों को लाभ पहुंचा पाएंगे जो कि वाकई जेन्यून लाभार्थी हैं। इसमें सर एक पॉइंट कहा गया कि यूज ऑफ आधार को बेसिस लिया जाए श्योरिटी टू प्रोवाइड बेल टू पुअर प्रिजनर्स। इसमें सर जो लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको भी कोट किया गया बेल के बारे में भी, और सर इससे पहले भी जो जो जजमेंट्स ऑलरेडी माननीय अदालतों की तरफ से सर जो प्रोनाउंस हो चुके हैं उनके बारे में भी सर एम्फेसाइज किया गया। एक पॉइंट सर इसके अंदर ये भी कहा गया कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सॉल्यूशंस हैव टू बी टेकन in order to ensure benefits reach the poor prisoners. एक चीज सर इसके अंदर ये भी कही गई कि जो हमारे poor prisoners हैं उनको एक तो सर lack of trust है system पर, दूसरा क्योंकि सर उनके परिवार वाले उनके लिए surety ढूंढना, उनको trace करना problem है। Secondly सर उनको documentation भी नहीं पता कि उनको bail लेने के लिए क्या क्या करना है, तो हमें वहाँ पर भी उनके लिए उनकी hand holding और strengthening करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ सर उनका जो हमारे और प्रोग्राम्स चल रहे हैं सर सरकार में, जैसे स्किल डेवलपमेंट का है या सर कहीं पे बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, फॉर एग्जांपल सर वी हैड अ प्रिविलेज ऑफ DG प्रिजन्स दिल्ली, एंड सर उन्होंने तिहाड़ जेल में जो वो काम कर रहे हैं उसका भी उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उस तरीके के सर हमें जो चीज़ें हैं वो प्रिजन सेटिंग्स में जो हमारी स्कीम्स हैं या हमारी जो स्किल डेवलपमेंट की एक्सरसाइज है वो भी वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि सर ये भी पॉइंट इसमें जाहिर किया गया कि एक बार प्रिजनर को अंडर ट्रायल को रिहा करने के बाद क्या हम उसको उस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपनी रोजी रोटी सही तरीके से कमा सके और वो दोबारा किसी और उसमें ना पढ़कर फिर से जेल में ना आए। एक सर था, दूसरा था सर स्ट्रेंथनिंग एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सर, जैसा कि सर मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, sensitization and capacity building of all stakeholders is must. We need to bridge the gap between prisons and the courts, and the use of ICJS platform and its further integration with for the seamless flow of information is necessary. Ek sa sujhav ye bhi aaya tha ki we should ensure that quality legal aid is available to all those who are in need of after assessment. Ek sa sujhav ye bhi aaya tha ki family support hona bahut zaruri hai agar hum kisi prisoner ki koi under trial ki agar hum madad karna chahte hain, agar uska crime jo hai bahut hi petty crime hai. Social workers and the legal aid fellows should also work in close coordination with each other and with stakeholders, and MOU should be signed between states law universities and the state universities sir for the internship. Ek sir point aur raise kiya gaya tha jo ki law mein abhi exist karta hai lekin shayad sir wo abhi itna पॉपुलर नहीं हुआ है, दैट इज अ प्ली बार्गेनिंग एज अ मैकेनिज्म विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन एंड यूज ओनली इन नॉन हीनियस क्राइम्स केसेस सर। सो उसके बारे में भी सर विचार किया गया और ये पाया गया कि इसको हमें और एम्फेसाइज करना चाहिए और फोकस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।
एक पॉइंट सर ये भी कहा गया कि जो अभी लेटेस्ट अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकला है बेल के बारे में, दैट इज डेटेड 31st of January 2023, दैट कैन बी यूज्ड एज अ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टूल, विच हैज सर वेरी इलेबोरेटली इट हैज गिवन अ टाइमलाइन कि 7 दिन के अंदर ये होना चाहिए, 10 दिन के अंदर नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, एंड हाउ अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर बेल बट नॉट एबल टू सिक्योर द इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, हाउ इट कैन बी डेल्ट विद. एक सर ये भी पाया गया कि लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन इन टाइमिंग ऑफ अमेंडिंग द बेल एंड श्योरिटी प्रोविजन्स ऑल्सो नीड्स टू बी अंडरटेकन, वी नीड टू लुक इन टू दीज एस्पेक्ट्स. दूसरा सर एक ये भी पाया गया कि कुछ लीगल जो हमारे हर्डल्स हैं उनके ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है. वी नीड टू कम आउट विद बेटर रेगुलेशंस, बेटर एडवाइजरीज, तो उनके ऊपर भी सर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के भी सर मेरे साथ बैठे हैं सेक्रेटरी साहब, मैं चाहूंगी कि अगर आप भी कुछ कहना चाहें. और उससे पहले सर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का सर, जैसा कि मैंने अभी कहा था, इसमें सर ये कहा गया कि मैंडेट ऑफ यूटीआर अंडर ट्रायल्स का जो है दैट नीड्स टू बी एक्सपेंडेड, मेंटेनिंग अ डेटा रिपोजिटरी एंड डॉक्यूमेंटिंग गुड प्रैक्टिसेस फॉर एक्सपीरियंशियल शेयरिंग शुड बी देयर, एंश्योरिंग अ रोबस्ट रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर द स्कीम विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट असेसमेंट सर हमें जरूर करना चाहिए जो कि हम सर हमें VPR&D के थ्रू हमें सर कराना चाहिए, एंड देन क्वार्टरली इवेल्युएशंस एंड टारगेट इंटरवेंशंस ऑफ स्कीम शुड ऑल्सो बी डन बाय द स्टीयरिंग एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी. लास्ट में सर मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि सर इसमें कई चीजें ऐसी एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है सर जिसके कि हमें अभी इन सजेशंस के बेसिस पे सर हमें अभी इसमें हमें फर्दर डेलिब्रेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, तो सर हमारा एक प्रपोजल है कि हम एक एपिक्स कमिटी बनाएंगे, एंड प्रेफरेबली सर इफ होम सेक्रेटरी साहब इसको होम सेक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप में सर, ताकि उसमें जितने भी हमारे इश्यूज हैं सर वो सॉर्ट आउट हो सकेंगे, और फिर सर हम उसमें, लेकिन सर ये भी एक टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा. मैं सर रिक्वेस्ट करूंगी अपने मिस्टर रहाटे से सर, सेक्रेटरी जस्टिस ऑल्सो सर, टू से समथिंग ऑन दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट एंड इट रिक्वायर्स देयर लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग. नमस्कार सर, सेक्रेटरी सोशल जस्टिस ने काफी विस्तार से जो हमारे ब्रेकआउट सेशन में जो चर्चा हुई और जो सजेशंस आए सर उस पर प्रकाश डाला है, और हमने जॉइंटली MHA के साथ और सोशल जस्टिस के साथ ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी सर बनाया है, उसको उस पर काफ़ी विस्तार से मैडम ने बता दिया है. जहाँ तक न्याय विभाग का प्रश्न है सर, हम लोग क्लोज कोऑर्डिनेशन में इस योजना को का जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी और जो फॉर्मुलेशन होगा सर उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें मेन ये है कि ऑलरेडी लॉ में प्रोविजन है कि अंडर ट्रायल्स को बेल पे रिलीज करने के लिए क्या प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में ये हो नहीं रहा है. तो वैसे अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी के तहत काफ़ी हद तक इस पे कार्रवाई हुई है, और अभी अमृतकाल के दौरान पिछले वर्ष एक विशेष अभियान के तहत अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी के तहत 40,000 अंडर ट्रायल्स को रिहा किया गया है. लेकिन ये स्कीम के फॉर्मुलेशन में किस तरीके से जो हमारे जुडिशियल ऑर्डर्स ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड है, जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, और ई प्रिजन जो MHA ई प्रिजन स्कीम जो चलाता है, ई प्रिजन पोर्टल का डेटा को इस्तेमाल करके एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये स्कीम को फॉर्मुलेट करके, जो इसका उद्देश्य है कि पुअर प्रिजनर्स जो बेल अमाउंट नहीं देने के चलते जेल से रिहा नहीं होते हैं, उनको समय पर फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाए, इसी पर सर ये पूरा विस्तार से हमने ये स्कीम पे चर्चा हुई है. फॉर्मुलेट कैसे किया जाए, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा, और इसके लिए अभी जैसे सेक्रेटरी सोशल जस्टिस ने कहा, एक हम एपेक्स स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे यूनियन होम सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, जिसपे जो बाकी इश्यूज है उस पर उसको जैसे सॉर्ट आउट करके स्कीम का फॉर्मुलेशन एक फाइनल रूप में बनाएंगे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. धन्यवाद मैम और सर. अब मैं अनुरोध करता हूं श्रीमती रोली सिंह जी से, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
वो सिकल सेल अनीमिया का जो ब्रेकआउट सेशन उनका था उसके ऊपर प्रेजेंट करें। नमस्कार, थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू थैंक द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर प्रेजेंटिंग ऑन द ब्रेकआउट सेशन रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन बाय 2047 रीचिंग द लास्ट माइल। नेक्स्ट स्लाइड। एज वाज द मैंडेट, वी हैव worked in coordination with the central government, state government and non-government experts. We had total 26 participants. We had the Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Education, NWCD and the Health Ministry itself. Then from the states, we had Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Chhattisgarh who had participated from the National Health Mission and the other departments. The non-government experts were around 19 in number. So we had total of 26 active participants who participated as active contributors. And the total participants who were watching were 245. Next. We worked as per the guidance from the Honorable PM in a whole of nation approach in prevention and care for this elimination of this disease. We are working through a multi-sectoral participation approach, reaching the last mile through saturation approach, measurable parameters and monitoring leads to desirable results, which is good governance. Money alone does not suffice, and will to deliver is all that is required, an integrated approach to health. So these were the guidance on which we would be working. Next. So moving on to the recommendations that have come, we have tried to divide them because there were varied inputs coming from the scientific community, from the field experiences of the state governments in implementing this program at the initial stages that it is in some states. And we were also, we also spoke to field level, the organizations that are working in the field with communities, the tribal community especially, and their experiences. So we are we have divided it into various themes, the first theme being health promotion. So the various consultations have really honed in on the point that we need to do a lot of awareness creation through IEC and social behavior change communication, not only among the health workers, community workers, the Panchayati Raj institutions, the officials at all levels, but also to leverage tribal communities themselves, especially women as champions for taking care of the interventions that are required in this program. We have to leverage peer groups of adolescents who are already somewhat integrated through the Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram and the school health program. There has to be a lot of IEC and key messaging that has to be done, not only for people who are affected by this disease, but also people who will be involved in the prevention and diagnosis. So we will be leveraging patient groups with customized messages, both for normal people who are normal, who are just carriers of this disease, as well as people who are actually suffering from this disease. Then we would also be coming up with key messages for treatment of people with diseases. We would like to include tribal healers and headmen and build on the trust that they have in their communities in order to reach out to the people. There was a suggestion that pharmacy chains could be used for distributing IEC in local language. There is a need to engage NGOs and CBOs who have experience of community work in the areas that we are targeting. There is a need for creating customized flyers and pamphlets in local language for IEC. Sickle cell Samvad experts should be identified for speaking on sickle cell disease prevention in order to reach the masses. Our community health officers who are right now placed at all the health and wellness centers that we have, 150,000 health and wellness centers across the countries, they could be nodals for SCD prevention and care at all our primary care centers. Next. In the at the primary and secondary prevention level, what we need to do is integrate the screening of sickle cell disease at the level of the health and wellness centers itself, which is basically your sub-centers, which are right down at the ground level. Apart from targeted screening of tribals, we need to do a screening of antenatal, newborn and adolescents as well,
and also ensure opportunistic screening so that people who come with other ailments are also tested on the site for sickle cell disease, and then treatment can start immediately. With regard to screening, it is felt that the school children, especially at the tribal ashram school and the EMRSs, need to be targeted. And we need to ensure that new technologies, especially Make in India products, are leveraged as much as possible. The portal that has been created by the ministry should allow for tagging of persons to families, just like we had done in the case, like we do in the case of TB, as well as what we had done during COVID, so that nobody gets left out. The health melas that are organized at the health and wellness centers can become the hub for organizing mass scale screenings for all the people. We also need to ensure confidentiality of test reports, so that there has to be some sensitivity that needs to be maintained. Premarital screening should also be sensitively handled so that stigma is avoided. Strong referral mechanisms and referral flows should be developed, starting from the primary level up to the highest level facilities. This tertiary care services need to be strengthened for advanced diagnosis and treatment, especially like bone marrow transplants, amniocentesis, and the CVS. The CVS is already covered under the PMJY. Next. Lastly, there was a lot of discussion on holistic management and continuum of care. It was felt that there needs to be a standardized protocol for treatment, which is already there, but needs to be disseminated more proactively. There has to be, and the training should also be brought in tandem with the treatment protocols, so that the actual delivery of treatment is not hampered in any way. So we need to start right from the HWCs with our medical officers, right to the district level health officers. So all those trainings, including training of our frontline workers, our ASHAs, our ANMs, and our Anganwadi workers, also need to be done, at least for bringing about awareness among the community. Then there should be easy availability of drugs like hydroxyurea among the people. There could be a doorstep approach with right dosing along with newer therapeutics, but this needs to be explored, and we would be making small technical groups which will advise us on this, on the way forward, on how to make this drug more easily available. There is a scope for integrating with Ayush. There are Ayurvedic drugs which have been tried, and there are some tests which are going on in the field, and there are some reports which say that they have worked. So they may be used as an adjuvant to prevent acute painful crisis episodes. Yoga and Panchakarma therapies in sickle cell disease care are also to be integrated, because there have been some reports which say that they work and they provide a lot of relief to people who are suffering. There can be a treatment booklet and card to track progress of patients as a means of self-care also, so that people themselves who have tested are aware that this is the problem and this is how they need to manage themselves. There is also a need within the program and the National Health Mission to integrate tobacco and alcohol cessation along with the sickle cell disease care, because it is found that in the communities where we have sickle cell disease, there are always other comorbidities owing to the various issues of tobacco consumption, the smokeless tobacco consumption and alcohol consumption as well. And early child development program also needs to include the sickle cell management. With regard to the theme, health and well system strengthening, the idea is to integrate sickle cell disease care in the overall tribal health plan, in order to make it a Jan Andolan and also to ensure Jan Bhagidari. It has been felt that since we have these four pillars, which are screening, treatment, lifestyle management, and also reproductive child health program that we have in the ministry, we need to have micro plans for each of these verticals, so that we are able to ensure that the screening happens right from the and all the parties that should be involved are involved right from the beginning. So all our structures like the Panchayati Raj, women and child development, education, tribal and health need to be sensitized in order to ensure that we are able to do maximum screening
in the right manner, and the testing protocols also need to be put in place so that we need to know which are the labs which need to be accessed, which are the tests which can be point of care tests, and which what needs to be escalated to a higher level for conclusive testing. Then similarly, treatment protocols also need to be put in place. Lifestyle management is critical because it also includes counseling, which should start right from the adolescent level, where children are able to understand how to manage the disease in case it is there, or if they're carriers, what should they be doing, right down to pregnant, pre-pregnant at the stage of the young married couples, what they should be doing to ensure that, you know, they are able to avoid the disease from passing on to the next generation, and also to do some sort of pre-marriage counseling. So all these things need to be integrated into the program. That's why it requires a wide scale convergent effort at the field level. Therefore, the support of ministries working very closely with the state governments and the offices of the district collectors would be very critical. Coming to, we need to also be, there was a suggestion that a lot of partnerships need to be leveraged in order to make this program a success. So there needs to be a health professional partnerships of members of IMA, Indian Association of Pediatrics, FOPSI, blood bank officials, and hematologists for sickle cell anemia mission to be successful. There is a program on thalassemia also, which also needs to run closely along with this program. The training capsules of ASHAs, ANMs, and CHOs will have to be customized and prepared accordingly. And wherever possible, online training should be imparted, and certain regional centers have come forward and offered their support in being able to organize this training for the government. And as I had mentioned earlier, including Panchkarma and yoga and therapeutic measures for pain management was already discussed. And it has also been felt that research in gene therapy is something that is an area which requires a lot of emphasis and effort, and we would be in touch with the apex institutions who are in this area through the DST or the DBT or the ICMR to continue this research in a big way. We also need to engage with private hospitals for hub and spoke testing and treatment, and NGOs and CBOs for assisting in this work. The centers of excellence that have been identified need to be engaged in implementation research and anthropological research focused on prevention and care. And there has to be a monitoring mechanism at national, state, district, and block level, including all the stakeholders, so that we are able to actually monitor the progress of this program. The crux of the implementation strategy will be on through timelines. We will ensure that there are short-term, medium-term, and long-term timelines that we are fixing for ourselves in order to ensure that there are certain clear doables and benchmarks for the next 6 months or till 2030 and ending in 2047, where we would be looking at a goal of elimination of sickle cell from the tribal population of the country. With these words, I would like to thank you for giving me this opportunity, and this is the sum and substance of the discussion that we had in our group today. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. अब मैं दो चीजों की और आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूंगा. दो बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं. एक तो ये है कि अभी सभी जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे वेबिनार का, उसमें एक फॉर्मेट दिया गया है. ये इसी फॉर्मेट में कृषि मंत्रालय का जो हुआ था वेबिनार, उन्होंने रिपोर्ट किया था. इस फॉर्मेट में अगले एक घंटे में सभी ब्रेकआउट सेशन से जानकारी कृपया भेज दें, ताकि हम लोग कंपाइल करके उन्हें आगे फॉरवर्ड कर सकें. दूसरा ये है कि जो भी सुझाव आए हैं हमारे ब्रेकआउट सेशंस में, उन्हें हम सभी को अब स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स विथ टाइमलाइंस में उनको रूपांतरित करना है, और फिर ये आप अगर कल तक भेज दें तो फिर हम लोग उन सबको कंपाइल करके फिर आगे भेजेंगे. ये दो अनुरोध हैं सभी ब्रेकआउट सेशन से.
जो मॉडरेटिंग ऑफिसर्स हैं, आप सबसे ये निवेदन है। पहला ये है कि अगले एक घंटे में वो जो फॉर्मेट बताया गया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर किया गया है, उस फॉर्मेट में जानकारी भेज दें ताकि उसको हम लोग कंपाइल करके आज ही भेज दें, और कल तक एक्शन प्लान दे दें विथ स्पेसिफिक टाइमलाइंस, ताकि उसको हम लोग फिर आगे उसको भेज सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से अनुरोध होगा कि सर कृपया दो शब्द बोलना चाहेंगे। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, आदरणीय गिरिराज किशोर जी और सभी ऐसे विभागों से जुड़े हुए वरिष्ठ सचिव गण, एक्सपर्ट गण, पदाधिकारी गण, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के संदर्भ में जो विषय चर्चा के लिए था उस पर काफी विस्तृत ढंग से अपनी भावनाओं का हम सबको अवगत कराते हुए आगे चर्चा में हम ठोस परिणाम लेकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा लास्ट माइल डिलीवरी मैकेनिज्म है वो कैसे स्ट्रॉन्गली हम इम्प्लीमेंट के दृष्टि से सुनिश्चित कर सके कि वास्तविक रूप से जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी स्तर पर लोगों को जोड़ते हुए सभी संस्थाओं को संगठित करते हुए हम कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में सभी ऐसे विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है, सभी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आए हैं। इनिशियली ब्रेकआउट सेशन में सभी ऐसे विभागों के संदर्भ में जो विषय थे उसमें 3-3 घंटा का चर्चा हुआ। कंक्लूजन रिमार्क्स मैं सबकी सुन रहा था, काफ़ी सारे पॉइंट्स आए हैं और मुझे आशा है कि इसी तरीके से जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, चाहे स्टेट के इंस्टीट्यूशन हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो या ब्लॉक लेवल के हो या पंचायत लेवल के हो, और साथ ही साथ हमारा जो केंद्र का जो कार्यक्रम है उस दृष्टि से जुड़े हुए सभी संस्थाएं हो, तो मुझे आशा है, मैं अभी जो तकनीकी पक्ष पर जितनी चर्चा हुई है उसके डिटेल्स में और अधिक कुछ कहने का आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ, काफ़ी चर्चा हुई है। अब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने विजन, क्योंकि इस समय का, इस वर्ष का जो बजट प्रोविजंस है वो न केवल इस वर्ष का बजट है बल्कि आगामी अमृत काल के पूरे कार्यक्रम का विजन है, दृष्टि है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्घाटन उद्बोधन में हम सबको आह्वान भी किया और संकल्पित हो करके कैसे हम कार्य कर सके इसके लिए प्रेरित भी किया है। तो मुझे आशा है कि हम सभी क्षेत्रों में प्रगति के जो मानक है उस मानक के दृष्टि से सफलता अर्जित करेंगे। मैं पूरे समय तक माननीय मंत्री ग्रामीण विकास जो उपस्थित रहे उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ, और ख़ास करके जो इस समय में ये जो कार्य योजना तैयार और जिस पर हमने चर्चा किया है, ये एक आज का जो सेशन है ये प्रो पुअर और सबसे ज़्यादा जो निडी हैं
या सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र है उस पर हमने चर्चा किया, और मैं समझता हूँ कि इसको यदि एड्रेस करने में, जिसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, लीगल साइट भी है, और कई ऐसे समुदायों के बारे में जो हमने चर्चा किया है जहाँ पर हम संभवतः अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं, उसको हमने टारगेट में लिया है, लक्ष्य में लिया है। मुझे आशा है कि ग्रामीण विकास, ट्राइबल अफेयर्स, हेल्थ, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके साथ साथ ही जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, MHA है, ऐसे सारे मंत्रालयों के साथ कोऑर्डिनेशन में हम प्रो पुअर स्ट्रैटेजी के साथ न्याय के दृष्टि से, डेवलपमेंट के दृष्टि से, और आने वाले अमृतकाल के जो लक्ष्य है 2047 के, वो ध्यान में रखते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी काफ़ी चर्चा भी हम करेंगे और कार्य परिणति में बदले, इसके लिए हमारे इनिशिएटिव इसके साथ प्रारंभ होंगे। और जिस तरीके से आज हमने कोऑर्डिनेशन की चर्चा की है, इसमें मुझे आशा है कि इसका जो लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सेचुरेशन मोड में हर चीज़ को कैसे लाया जाए, उसके लिए डेटा मैनेजमेंट के साथ हम सफलता अर्जित करने में सही मायने में हम एक आज के सेशन को मानते हैं कि एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप सबको इस कार्यक्रम में आयोजित भाग लेने के लिए मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी उपस्थित हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। माननीय बीरेन जी हैं या नहीं, उनके विभाग के सेक्रेटरी इसको सूचित करें तो अच्छा लगेगा, आगे फिर आगे की कार्रवाई होगी। पोस्ट बजट वेबिनार 23-24 ग्रामीण विकास मंत्रालय के होस्ट में आयोजित किया गया। हमारे मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं सुबह से उनको देख रहा हूं। हमारे अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्री सम्मानी अर्जुन मंडा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे अनुसूचित जनजाति कार्य राज्य मंत्री भगत सिंह कुलस्ते जी भी हमारे बीच में हैं। विभागों के सम्मानी सचिवगण, अधिकारीगण, और आज के इस वेबिनार के माध्यम से हमारे जो 6 अलग अलग विषयों पर जो ब्रेकआउट सत्र हुए, उनमें उन विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ, उन विषयों से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, और लगातार 3 घंटे की चर्चा में 6 सत्रों में अलग अलग जो चर्चाएं हुई, उसमें इतनी गहन विस्तृत रूप से चर्चाएं हुई, जो बिंदु निकल के सामने आए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, उस अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाए जाने की पहल, और उसी दृष्टि से आज के इस वेबिनार के माध्यम से, जहां एक ओर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में, PMPVTG विकास मिशन के बारे में, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की पूर्ति के बारे में, PM आवास योजना और गरीब कैदियों के लिए समर्थन, सिकल सेल एनीमिया मिशन, इन 6 अलग अलग विषयों से संबंधित जो वेबिनार के हमारे ब्रेकआउट सत्र हुए, उसमें एक सत्र में मुझे भी रहने का अवसर मिला, और मैंने देखा उस ब्रेकआउट सत्र के माध्यम से विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों के, उनके अनुभवों का, हमारे अधिकारियों का, उनके जीवन से जुड़े, आसपास जुड़ी हुई घटनाएं, उसका इतना ज़्यादा विस्तृत जानकारी वहां पर मिली कि हम जो कुछ करना चाहते उसमें समाज की सहभागिता जोड़ने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शुरुआत की गई, यह वेबिनार वास्तव में कैसे जो हम आज़ादी का 2047 में 100वां वर्ष मनाएंगे, उस 100वें वर्ष को मनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप
सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, तो समाज की सहभागिता जब तक इन कार्यक्रमों के साथ में नहीं जुड़ती है तब तक इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाए जाने की जो पहल है वो सपना अधूरा रहता है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो पोस्ट बजट वेबिनार की शुरुआत की है, आज का यह पोस्ट बजट वेबिनार वास्तव में उस दिशा में एक मील का एक पत्थर साबित हो रहा है। मैंने देखा कि इस पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से जितने ये 6 अलग अलग पोस्ट ब्रेकआउट सत्र हुए, इन सत्रों में जो चर्चा हुई उन चर्चों में बहुत अच्छे इतनी अच्छी जानकारी निकल के आई जो हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में विस्तृत रूप से जानकारी रखता है। अगर डॉक्टर से तो वो मेडिसिन के क्षेत्र में उसको सारी जानकारी होती है, टीचर से उसको अध्ययन के बारे में जानकारी होती है, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं उनको कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ कैसे करना इसकी जानकारी होती है, हमारे जो अन्य विभागों के जो हमारे अधिकारी और हमारे क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं हर एक को अपने अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। लेकिन जब जैसे अलग अलग इन अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले सारे व्यक्ति एक मंच के माध्यम से एकत्रित होकर और देश भर के ऐसे विषय विशेषज्ञों को इस तरह के वेबिनार के माध्यम से जोड़ने की पहल के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तब सही मायने में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास की परिकल्पना साकार होती है। और आज के इसके वेबिनार के माध्यम से मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ते हुए कदमों को देखा, सबकी सहभागिता को इसमें जुड़ते हुए देखा। और गिरिराज सिंह जी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ कि मैं सुबह 10 बजे से मैं जुड़ा और आपके होस्ट में आज का यह वेबिनार जो हुआ, इस वेबिनार में आपके विभाग के सारे अधिकारियों ने और बाकी विभागों के जिन जिन विभागों के चर्चाएं इसमें आज के इस बैकग्राउंड सत्र में ली गई हैं उन सभी के अधिकारियों ने वहाँ के सचिवों ने वहाँ के बाकी अन्य अधिकारियों ने और देश भर के विशेषज्ञों ने सबने विषय विशेषज्ञों ने इसमें इतनी रुचि के साथ में जुड़ करके योगदान दिया है, मैं उसके लिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये विश्वास करता हूँ कि जिस तरह की शुरुआत इस वेबिनार सत्र के माध्यम से हुई है आने वाले समय में इस तरह के कदमों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में हम सब कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय वीरेंद्र जी का जन्मदिन है, हम सब के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी उन्दा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी हम तो तालियां बजा करके धन्यवाद बधाई देता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर और हैप्पी बर्थडे आपको। अब मैं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री से संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। इस पोस्ट बजट वेबिनार में विशेष तौर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री श्री बड़े भाई आदरणीय राजी, हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के हमारे मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे जनजाति कल्याण मंत्रालय के मंत्री आदरणीय मुंडा जी, सभी हमारे सचिव और जितने विशेषज्ञ अलग अलग विभागों से और सभी मंत्रालयों से संबंधित सभी अधिकारीगण, विशेषकर आज प्रधानमंत्री जी का इस बजट पर जो अलग अलग जो ब्रेकअप और जो विषय है जिन पे चर्चा हुई, मैं अनुमान ये लगा सकता हूं कि और मंत्रालयों ने जिस प्रकार की तैयारी और चर्चा और इस बजट को लेकर के जो इस समय देश भर में चर्चा हो रही और आज ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सोशल जस्टिस, ऐसे अलग अलग मंत्रालय और विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी एकलव आदर्श विद्यालयों की कल्पना की। वैसे बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी परंतु पहली बार है जब एनडीए की सरकार बनी तो इस दिशा में अटल जी ने प्रारंभ किया था 100 एकलव आदर्श विद्यालय पूरे देश में, ये 2000 में प्रारंभ किया और आज इस दिशा में हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको और थोड़ा प्रमोट किया और लगभग सभी हमारी जो जिले हैं और जिले के अंदर जो ब्लॉक हैं उनको कवर किया है। और इसके साथ साथ ये जो हमारा एक्सपेंशन डिस्ट्रिक्ट है अब हमने ब्लॉक को कवर किया है, इसमें जितने ग्रामीण क्षेत्र है विशेषकर मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं इससे ग्रामीण मंत्रालय के कामकाज को देखता हूं और हम नीचे तक जाते हैं इसी प्रकार से ट्राइबल का जरूर कई तरह की कुछ विसंगतियां कुछ कठिनाइयां अलग अलग राज्यों के, परंतु जब समग्र दृष्टि से हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है इससे पूरे वेबिनार से निकल करके आता है और हम इस दिशा में अगर आगे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की कल्पना की है हम इसको मूर्त रूप देने में हम सफल होंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं एक बार सभी मंत्रालय और विशेषकर हमारे बड़े भाई गिरिराज जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज बीरेन जी का भी जन्मदिन है इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से और सब इस पूरे आयोजन के साथ उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से क्लोजिंग रिमार्क के लिए अनुरोध करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में सारे अनुभवी मंत्री, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूं जिन्होंने आज एक संरचना के माध्यम से हम सबको एक साथ जुटने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम बीरेन जी को हम भी व्यक्तिगत रूप में पहले तालियों की गड़गड़ाहट से दिया है, हम तो हैप्पी बर्थडे नहीं कहेंगे, मैं तो कहूंगा कि भगवान करे कि आप दीर्घायु हो और खूब हम लोगों का नेतृत्व करते रहें माननीय बीरेन जी। और माननीय अर्जुन मुंडा जी, जिनके मैं जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय से मैं इनके अंदर जो छोटी छोटी चीजें, इनके लैपटॉप लेकर के जब मुख्यमंत्री थे एक बार पटना आए मैं दंग रह गया कि ये रास्ते में भी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए करते रहते हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने आज उन विभागों को इनके जिम्मे सौंपा है जिस विभाग आज तक वंचित के रूप में रहा, आज ये उसको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं भी बीच बीच में इनसे मार्गदर्शन लेते रहता हूं। माननीय अर्जुन मुंडा जी हमारे, मैं बड़े भाई किसी को कहता हूं तो मैं, मेरा बड़ा भाई कोई बनने को तैयार नहीं होता है। फगन सिंह कुलस्ते जी को बड़े भाई कहता हूं, ये पहले ही मुझे बड़े भाई कह देते हैं, लेकिन मेरे भाई फगन सिंह कुलस्ते जी, वैसे मेरे दो राज्य मंत्री सहयोगी दीदी साध्वी निरंजना जी और कपिल मुनेश्वर पाटिल जी, वो भी पहले सत्र में थे, मैं उनको भी धन्यवाद देता और धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को जो इन्होंने इस विभाग को कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया। और हम अपने सचिव जो झारखंड से ही आते हैं, अर्जुन मुंडा जी का ही राज हमारे विभाग पर भी है, मानवर शैलेश जी और इनकी पूरी टीम, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आवास जो मुख्य रूप से, और यहाँ एक आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर भी हर साथ इसमें जुड़े हुए हैं यहाँ, और वैसे तो हमारे विभाग के सारे अधिकारी और पूरे ये जो छह टीम बना, ये छह टीम के नौ मंत्रालय, और नौ मंत्रालय में 3,065 लोग जुटे सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से, मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर मैं कहता हूं कि आज तीसरा मौका है जो बजट पर वेबिनार, ये पहली बार प्रधानमंत्री ने
पहले तो हम लोग 31 मार्च को बजट को पेश करते थे और उन्होंने कार्य पद्धति को बदलने के लिए 1 फरवरी को अब वेबिनार 21-22 में मुझे 20 में कोरोना के कारण शायद नहीं करवा पाए प्रधानमंत्री जी, लेकिन 21-22, 22-23 और 23-24 का वेबिनार, ये इसलिए कि सभी एक्सपर्ट सभी लोग अपनी राय दें, ये नहीं कि विभाग के सचिव ने जो रोड मैप बना लिया वही सही है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी का कुछ बिंदु पर स्ट्रेस देते हैं, गुड गवर्नेंस पर, ट्रांसपेरेंसी पर, और जो उन्होंने कहा कि डिलीवरी पर जो टाइम बाउंड पे और सैचुरेशन पे, ये कुछ बिंदुओं पर जब वो बोलते हैं कोई भी हो तो वो कहते हैं कि चन्ना अमृत मत बांटो, सैचुरेशन मोड पर ले जाओ। तो आज हमें सबों को, ये सभी विभाग के सचिव को मैं धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि उन्होंने अपने अपने टीम को बड़े मेहनत के साथ ऑर्गेनाइज किया। आज इस वेबिनार में मुझे एक पुराने राहटे जी को भी सुनने का मौका मिला, तो वैसे सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। अब मैं एक बात कहूंगा कि अब 6.5 ग्रुप के वेबिनार पर नहीं कहूंगा, हमारे सेक्रेटरी ने शॉर्ट में कहा, हम भी शॉर्ट में ही बोलेंगे क्योंकि लोग उब गए होंगे। 4 घंटा पहला सेशन चला, फिर 3 बजे से ये चल रहा है कहीं कहीं लोगों को, तो कुछ बिंदुओं पर हमने लिया है जो प्रधानमंत्री का थीम है वो तो 100% है, जो अर्बन और रूरल, ऑल हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर। जब ये कहता हूं, कई बात आया निकल करके, कई राज्यों के सचिवों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, मैं चाहे आसाम के सचिव हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, किनका किनका नाम लो, सबने बहुत अच्छा सुझाव दिया। ये कठिनाई हमें झेलना पड़ता है कि हाउसिंग में जब जाते हैं हाउसिंग फॉर ऑल कहते हैं तो वर्कर भी कहता है साहब इसका नाम छूटा हुआ है, एमपी लोग कहते हैं, एमएलए लोग कहते हैं। मैंने कहा इसमें हम प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, विभाग का दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है, क्योंकि हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का लिया और फिर राज्यों को ही दिया कि भाई राज तुम इसको ठीक ठाक करके हमें भेज दो। 2.95 करोड़ हमारा लक्ष्य था, शहरी का भी साइज 1.25 करोड़ है, हमने तय किया है। आप लोगों को बताते हुए कि कोशिश है, तय करना तो एक रोड मैप आपको बताता कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इन घरों को जोड़े, सोलर से कैसे जोड़े, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ करके इनके इनकम को कैसे बढ़ाएं, ये लक्ष्य है। और जो घर बनता हो इसमें सोशल ऑडिट, और मेरा एक आग्रह होगा सभी विभाग के सचिव जन प्रतिनिधि को हर कार्य में सम्मिलित करें। आज मैंने देखा कि एक प्रदेश उत्तर प्रदेश ने ब्लॉक स्तर पर एमएलए एमपी को गांव में घर बने हुए घरों का उद्घाटन करने का मौका, अगर ये जनप्रतिनिधि का होता है तो ट्रांसपेरेंसी भी होता है। कई अधिकारी जनप्रतिनिधि से भागते हैं, डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आपके लिए वो सहायक होंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि क्लस्टर अप्रोच हो, जनप्रतिनिधियों का जन भागीदारी हो, और सबसे ज्यादा है कन्वर्जेंस हो,
होल गवर्नमेंट का अप्रोच लेना, ये जब हम आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अर्बन का अफोर्डेबल हाउस उन्होंने कई सुझाव दिया जिसकी चर्चा उन्होंने की, लो इनकम हाउस, सलम को जैसे प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अंदर सलम को वर्टिकल में देख करके बनाया, ये सभी राज्यों को हम लोग भी उससे सीख रहे हैं। अभी देश में जो भवनहीन और भूमिहीन इतने बचे हुए हैं कि एक समस्या है राज्यों के सामने। मैं राज्य के सचिवों से भी आग्रह कर रहा हूं, और हाउसिंग फॉर ऑल में पीपी मोड, ये हमारा और अर्बन का ये मुख्य रूप से जो पॉइंट था। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जितने हम आपके सामने रख सकते हैं बिंदु ये वेबिनार में दिए गए सुझावों पर, तो शायद ये कंटिन्यूअस 2-3 दिन सारे वेबिनार को लेके चलेगा, पूरे 6 विभाग ग्रुप को लेकर के। हेल्थ जो स्किल सेल एनीमिया है ये हमारे लिए चुनौती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर अस्पताल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी मदद, एसओपी बनाया जाए जिसे हर सेक्टर पर प्लानिंग हो, और भाषा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी हमारे कई लोग कह रहे थे कि एकल विद्यालय में वो जो हमारी ट्रेडिशनल भाषा है, अब भाषा हम बुझते नहीं, इसलिए भाषा को भी प्रमुखता रखा गया है। प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता सीएसआर के रूप में भी उसको इनकरेज करना, इनकरेज करने के लिए मुझे लगता है कि खास करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर कुछ उसमें बनाते तो बहुत लगेगा। वीरेंद्र भाई के डिपार्टमेंट कई चीजों को करते हैं। आज मैं जिस ढंग से कैदियों के ऊपर चिंता प्रधानमंत्री ने की है, ये छोटी बात नहीं है। लोगों ने जब वो छोड़ने की बात करते हैं आजादी के 75वें वर्ष तब भी उठाते हैं, लेकिन मैं जब देख रहा था डिटेल आपके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन, तो लग रहा था कि ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। कितना डीपली आप लोगों ने बनाया है, चाहे MIS करके उसको तैयार करना, डेटा बनाना, ई प्रिजनल पोर्टल बनाना, लाभार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा कैसे उनको मदद की जाए, और समयबद्ध एकल मॉडल पर तो जो आप लोगों ने, ये तो हम लोगों के इस सरकार के जो खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, एक एक जनप्रतिनिधि जो हमारे विचार परिवार का है, यहां बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जानते हैं कि कैसे काम शुरू किया, इसका स्वरूप एकल विद्यालय का कैसे आया, ये संघ ने शुरू की, वाजपेयी जी ने उसकी नींव सरकारी पे रखा, आज सैचुरेशन मोड पर, यानी कोई ब्लॉक इससे अछूत न रहे इस मॉडल का दृश्य देखने के लिए। अर्जुन मुंडा जी के साथ बात हो रही थी तो वो एक बार बताए थे। मैं समझता हूं कि जो शिक्षा ने और सब ने इनके बनाया है, मैं एक चीज से सहमत नहीं था जब इस पर दिया जा रहा था कि हमारे बच्चे जवाहर मॉडल तक कैसे पहुंचेंगे, आदिवासी हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारे बच्चों में वो टैलेंट है जो किसी शहर में टैलेंट नहीं हो, कभी उसके टैलेंट टेस्ट का कोई एकलव्य में उपाय तो करें, देखें कि शहर से कितना कम है, जुगाड़ू टेक्नोलॉजी से क्या नहीं करते। जब आप जाएं आदिवासी क्षेत्र में तब इनके टैलेंट को पता चलता है। अगर बड़े लोगों में टैलेंट है तो क्या बचपन में उनका टैलेंट। इसलिए मैं
ये शब्द कहूंगा हटा दें कि हमारे बच्चे जवाहर नवविद्यालय और सेंट्रल स्कूल से कम्पीट नहीं करेंगे, हम उनको उतनी सुविधा नहीं दे पाएंगे, ये भले कहें लेकिन उनके टैलेंट को नहीं ये कहें। मैं तो कहूंगा उनको कैसे जो शहरों में सेंट्रल स्कूल और आवासीय विद्यालय को दिया जाता है उतना इनके साथ हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं अन्य चीज नहीं कहते हुए दो ही चीज कहूंगा कि लोगों के आकांक्षा को, जो हमारे जनजातीय उनके आकांक्षाओं के अनुरूप रहे, और इसको एक क्लस्टर बेस पर किया जाए, मैं यही कहूंगा। और सबसे पहले नीति आयोग ने जो दिया, नीति आयोग को मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जब पहली बार उन्होंने 116 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया था आकांक्षी जिलों में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। मैं जिस राज्य से आता हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा गजब है, हमारे बिहार में जो सुन रहे होंगे कि बेगूसराय को ले लिया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। उनको ये नहीं पता था कि पैरामीटर केवल जीवन में कुछ इंडस्ट्री लग जाना ही पैरामीटर नहीं होता है, उसका लाभ गांव के अंतिम छोर तक पहुंचा कि नहीं। और आज प्रधानमंत्री ने उस 112 जिलों को उस कदर पहुंचाया है कि जो रेस्ट जिले हैं कई पैरामीटर उसने पीछा छोड़ दिया है उनके। अब 500 ब्लॉक को लिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं खास करके नीति आयोग को, जो उनका मॉनिटरिंग सिस्टम है। जब हम लोग मंत्री के नाते जिलों का भ्रमण कर रहे थे 112 जिलों का, जो हम सब लोगों को यहाँ बैठे, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, चाहे फगन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र भाई हो, सब लोग गए होंगे, तो लगा होगा कि नीति आयोग बड़े मॉनिटरिंग का बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। लेकिन मेरा मानना है मॉनिटरिंग के साथ साथ जिला बड़ा तेज होता है, नीति आयोग उन जिलों के तेजी से भी परिचित नहीं हो पाते हैं। जब हम लोग जाते हैं जब लेने के लिए समीक्षा, तो कई ऐसे चीजों को देखते हैं कि डेटा को MIS पर डाल करके वो अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित नजर आते हैं। मैं जिलों का नाम नहीं कहूंगा, मैं जहां गया, मैं मध्य प्रदेश भी गया था, बिहार भी गया था, तो मेरा आग्रह होगा नीति आयोग केवल डेटा पर ना करे, बल्कि उसका थर्ड पार्टी एवलुएशन करा रहे होंगे तो कराएं, और फिर हम लोगों का जो आता है उसको भी उतना ही महत्व देने का काम करें। मैं आज इस वेबिनार में कम समय लेते हुए, क्योंकि हम सब मिला जुला करके 2.25 घंटा सेकेंड शिफ्ट में भी लग गया है, पहला 4, 3, 7 घंटे से ऊपर हम सब बैठे, और उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री के जो सोच है, जो उम्मीद है, जो सपना उन्होंने देखा है, उन सपनों के आधार पर जो एक्सपर्ट लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, बजट को उस बजट में समाहित करके उस बजट को इम्प्लीमेंट करने में हम सब उसको लगाएंगे, और निश्चित रूप से जब उसको करेंगे, इतने लोगों का 3000 से ऊपर लोग जुड़े रहे, इतने एक्सपर्ट रहे, तो इसका निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। पहले भी हम लोगों को इसका अनुभव रहा है कि जब जब वेबिनार हुआ है, एक्सपर्ट लोगों ने अपनी राय दी है, उस एक्सपर्ट की राय को लेकर के जब हम अपने बजट को मूर्त रूप देना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभा पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो सचिव ने कहा है, दो इन्फॉर्मेशन मांगा है, एक
आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर किया है, एक कल तक देना है, जिससे आगे तक आपके द्वारा लिए गए डेटा निर्णय उसके बिंदु वो उचित स्थान पे पहुंच सके, और फिर उचित स्थान पर पहुंचने के बाद फिर मॉनिटरिंग होगा। इसी सब इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपने दो वरिष्ठ मंत्रियों को कोटि सा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो इनके अनुभव ज्यादा लाभ, हमारे दोनों तीनों बड़े भाई हैं, तीनों बड़े भाई का जितना लाभ मुझे मिल पाएगा, मैं खुशनसीब हूं कि सबों का राय मुझे मिला है, नेतृत्व मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद।